ओके जी, सो फाइनली फिक्स्ड ऑल थिंग, और आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है, थैंक यू सो मच, और स्क्रीन भी क्लियर है. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से कराती रहूं. आई एम श्योर आज काफी और भी नए पार्टिसिपेंट्स, नए साथी हमारे साथ आज के सेशन में हैं. सो मैं सदफ जवाद आप लोगों के एरिया सेल्स मैनेजर सिंध और बलूचिस्तान साउथ रीजन को देख रही हूँ, और आप लोगों के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग्स के जरिए आप लोगों को एम्पावर करें और आप लोग अपने बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूती के साथ और कामयाबी के साथ करें. सो आज हम अपने कंटिन्यूटी सेशन जो कि हम स्किन केयर वीक मना रहे हैं, और इस स्किन केयर वीक की एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था हमारी बेसिक रेंज को, और बेसिक रेंज को डिस्कस करने का मकसद यही था कि आप कैटलॉग में मौजूद जो बहुत सारी हमारी स्किन के रेंजेस हैं उसमें कंफ्यूज ना हो, और आप जान सकें कि हमारी स्किन की बेसिक नीड क्या होती है, और बेसिक नीड के अकॉर्डिंगली आपने लव नेचर एसेंशियल्स और प्योर स्किन की रेंज को आपने लर्न किया. आज हम सेकंड स्टेप की जाने आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मिंग स्किन के रेंज के बारे में, कि हमारी कैटलॉग में ऐसी कौन सी रेंजेस हैं जो कि हमारी स्किन की बेसिक नीड, जो कि हाइड्रेशन होती है, जो कि हमारी स्किन की बेसिक नीड मॉइस्चराइजर होती है और क्लिंजिंग होती है, उस बेसिक नीड के अलावा जो हमारी स्किन पे और डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको भी कौन सी प्रोडक्ट से हम ट्रीट कर सकते हैं और ज्यादा बेहतरीन आगे अपनी स्किन को कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोबारा से हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे एक दफा फिर से ओरिफ्लेम की डेप्थ के साथ, और यहाँ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करके बहुत ज्यादा फखर महसूस होता है. आई एम श्योर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप सब भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते होंगे जब आप लोग भी इसको बार बार देखते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं कि ओरिफ्लेम को 50 साल से जायद का अरसा का जो है वो एक्सपीरियंस हासिल है ओरिफ्लेम स्किन केयर प्रोडक्ट बना रहा है, और स्टार्ट जस्ट एक छोटी सी टेंडर केयर से ही हुआ, लेकिन आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी अमेजिंग हमारे लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाली हर जो हमारे रेंजेस हैं उसके अंदर ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हमारी ओरिफ्लेम की बनती हैं ये कोई नॉर्मल आम लोग नहीं बना रहे होते. हमारी प्रोडक्ट्स कीमती इसलिए हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को रिसर्च के बाद बनाया जाता है, पहले इंग्रेडिएंट्स पर रिसर्च की जाती है और फिर साइंटिस्ट जो है बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं इन्वेंशन के बाद. और इसके साथ साथ अगेन अगर बात की जाए तो ओरिफ्लेम की अपनी 3 लेबोरेटरीज है जहां पे इनको इस पर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, और रिसर्च के बाद ही इन प्रोडक्ट्स को आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाता है. इसके साथ ओरिफ्लेम काम करता है पेटेंट टेक्नोलॉजीज, अगर मैं स्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी की भी बात करूँ या इवन हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, इवन दो स्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी भी ओरिफ्लेम ने के ही साइंटिस्ट ने, ओरिफ्लेम ने ही पूरी दुनिया से मुतारिफ करवाई, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में कल के सेशन में आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर भी लर्न करेंगे. बट बताने का मकसद ये है कि ओरिफ्लेम ही पायोनियर है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डालने के लिए. ओरिफ्लेम से पहले किसी ने भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर एड नहीं किया था, ओरिफ्लेम को ये एजाज हासिल है. और इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट जो यूवी टेक्नोलॉजी है वो भी ओरिफ्लेम ने ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ इंक्लूड की, कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ हम यूवी से भी प्रोटेक्शन हासिल एक ही चीज के साथ कर सकते हैं. तो तमाम तरह प्रोडक्ट्स जो हमारी होती हैं वो टेस्टेड प्रोडक्ट्स होती है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ ह्यूमन टेस्टेड नहीं होती बल्कि क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती हैं, और उसके बाद ही ये प्रोडक्ट्स आप लोगों तक लेके आई जाती हैं. और इसके साथ साथ ओरिफ्लेम की जो तमाम तरह प्रोडक्ट्स हैं इस पे बहुत ही अमेजिंग रिसर्चेस होती हैं, इवन दो अगर हम नोवेज की बात करें तो यस दैट इंक्लूड 7+ ईयर्स की रिसर्च जिसके बाद ये प्रोडक्ट जो नोवेज की जो हमारी पूरी रेंज है वो फॉर्म की गई. और इसी तरह डिफरेंट
जो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज हैं और दुनिया भर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी ओरिफ्लेम जो है वो अपनी इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहा होता है, और पूरी दुनिया भर के जो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए भी ओरिफ्लेम के साथ आते हैं, जुड़ते हैं और नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिफ्लेम कितना ज्यादा आप लोगों के लिए नई प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कितना ज्यादा कोशा है कि वो सही सही नई नई चीजें एडवांसमेंट के साथ आप लोगों के लिए आए। सो यहाँ एक और नजर स्किन की जानिब डालते हैं। यहाँ पे हम एक दफा दोबारा से स्किन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और वही बात रिपीट करूंगी कि ये जो हमारी ऑर्गन है, जो स्किन है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जिस तरह हमें हमारी बॉडी बनती है, स्किन आती है, तो उसके बाद आप जिस तरह कपड़े हम नॉर्मली डेली यूज में चेंज करते हैं, हम स्किन को नहीं चेंज कर सकते। तो हमने अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन ख्याल रखने हम तब ख्याल रख पाएंगे जब हम अपनी स्किन को जानेंगे कि हमारी स्किन का मैकेनिक क्या है, हमारी स्किन कैसे काम करती है, हमारी स्किन के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। तो वो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू स्किन का करें। सबसे पहले स्किन क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज, सूरज की जो रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, और इसी के साथ साथ हमारे वाटर लेवल को बैलेंस रखने में, पीएच को बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा मदद देती है, और इसके साथ हमारी बॉडी की टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। और अल्लाह ना करे कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले स्किन डैमेज होती है, जो कि आपकी स्किन के अंदर मौजूद मसल्स को, टिश्यूज को सेव कर लेती है, और इसीलिए सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर खराश वगैरह आ रही होती है। अच्छा, स्किन का थोड़ा सा क्लोजर लुक देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अमूमन जब हम अपनी स्किन को देखते हैं तो हमें जस्ट ब्राउन या वाइट स्किन नजर आ रही होती है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो डेप्थ के अंदर इसकी तीन स्किन की लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी फर्स्ट लेयर जो होती है वो आपकी एपिडर्मिस होती है, जहां पे आप कोई क्रीम, लोशन, जो भी आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और वो स्किन पे मौजूद पोर्स के थ्रू, जो हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो पेनिट्रेट करके हमारी स्किन के अंदर जाती है। सेकंड जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो डर्मिस होती है, जहां पे कॉलेजन पाया जाता है। और कॉलेजन क्या होता है, कॉलेजन वो खास प्रोटीन होता है, हमारी स्किन का प्रोटीन होता है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, फ्रेश रखता है, यंग लुकिंग रखता है। तो प्रोटीन जो होती है हमारी स्किन का, कॉलेजन बेसिकली कहला रही होती है। और उसके बाद थर्ड लेयर हमारी हाइपोडर्मिस होती है, जहां पे हमारे फैट टिश्यूज हमारे सॉल्व होते हैं, और वहां पे इलास्टिन पाया जाता है, ताकि हमारी स्किन जो है वो लिफ्ट भी रहे। तो जब इलास्टिसिटी कम होती है तो हमारी स्किन क्या होती है कि वो ढलकना भी शुरू हो जाती है। एनी हाउ, इसको आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपनी स्किन की टाइप को भी समझ लें कि हमारी स्किन की टाइप क्या है, और उसके साथ साथ स्किन के रूटीन से क्या फायदा, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अगर हम स्किन टाइप्स की बात करें, आई एम श्योर आप में से काफी सब लोग जानते होंगे अपनी स्किन की टाइप, और मेजोरिटी हमारी स्किन ऑयली होती है, हमारी स्किन ड्राई होती है, नॉर्मल होती है, कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन स्किन की जो टाइप्स है, नॉर्मली ये चार टाइप्स होती हैं, इसको आप देख सकते हैं। ड्राई स्किन वो होती है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेकी होती है, जिस पर रेड कलर के पैचेस पड़े हुए होते हैं, और अमूमन ड्राई स्किन को हम इजीली पहचान भी जाते हैं, क्योंकि इसके पोर्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो बड़ी खिंची खिंची सी और टाइट सी फीलिंग आ रही होती है, तो वो बेसिकली कहलाती है हमारी ड्राई स्किन। अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें तो अगेन नॉर्मल स्किन होती है माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों की, जो कि ना बहुत ज्यादा ऑयली होती है, ना बहुत ज्यादा ड्राई होती है, और कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, और इसके साथ ये आपकी स्किन हेल्दी, एक नॉर्मल ग्लोइंग स्किन आपकी कहला रही होती है। अगर कॉम्बिनेशन स्किन की बात की जाए तो इसे पहचानना और समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इस स्किन टाइप के ऊपर ऑयल आपके फेस पे आता है, लेकिन पहचानने की खास बात यह है कि कॉम्बिनेशन स्किन में जो आपका ऑयल जनरेट होता है, बनता है सबसे ज्यादा, वो आपके टी जोन पे बनता है। तो हमारा फोरहेड और ये नोज एरिया ज्यादा शाइनी होता है, ज्यादा ऑयल इस एरिया के ऊपर खासतौर पर पाया जाता है, और जो हमारे चीक्स एरियाज है ये ड्राइनेस
की तरफ होते हैं और ब्लैक हेड्स भी नॉर्मली नोज वगैरह के ऊपर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है जिसमें कुछ एरिया हमारा ऑयली होता है और कुछ एरिया हमारा ड्राइनेस की तरफ होता है। एंड फोर्थ स्किन टाइप हमारी ऑयली होती है। ऑयली स्किन वो कहलाती है जिसमें आपके फोरहेड और नोज के अलावा आपके चीक्स और चिन तक ऑयल आपका आ रहा हो, पूरे ऑल ओवर फेस आ रहा हो। अगर ऐसी आपकी स्किन टाइप है तो यस, ये ऑयली स्किन टाइप है। अब आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि एक चीज तो हम मिस ही कर गए और वो है सेंसिटिव स्किन की टाइप। ठीक है, तो आज ये बात आप लोगों ने क्लियर करनी है कि सेंसिटिव स्किन की टाइप नहीं है, ये एक स्किन की कंडीशन है। और ये स्किन की जो कंडीशन बनती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी आपके फेस के ऊपर आपकी स्किन पे आती है, इसका कोई इससे जो लिंक होता है वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को इस कंडीशन तक लेके आते हैं कि आपकी नॉर्मल ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होने के साथ साथ उस पर सेंसिटिविटी भी आ चुकी होती है। ठीक है, इसका जेनेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है कि पैदाइशी ही सेंसिटिव स्किन होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका कंसर्न आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ होता है। और इसके अंदर अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो मोस्ट कॉमन एडल्ट एक्नी या सन डैमेज की वजह से डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन आपकी हो रही होती है, और इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी स्किन आपकी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी स्किन कंडीशन की तरफ लेके आपको जाती हैं। अब कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन की टाइप तो होती है लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई कंडीशन जो है वो अराइज कर रहे होते हैं और उसमें उनके मददगार साबित होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला इश्यू होता है इस जो स्लोइंग डाउन होता है हमारी कॉलेजन का प्रोडक्शन या इलास्टिन का प्रोडक्शन सिस्टम। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि कॉलेजन और इलास्टिन हमारी स्किन की सेकंड थर्ड लेयर के ऊपर पाया जाता है और ये वो खास प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को मिलता रहता है। जैसे हम भी प्रोटीन के अंदर नॉर्मली हम फिश खाते हैं, हम हेल्दी रहने के लिए मीट खाते हैं, हम अंडा खाते हैं, हम दही खा रहे होते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन होता है। लेकिन हमारी स्किन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो कॉलेजन और इलास्टिन कहलाता है और इसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन की कंडीशन वर्स्ट होती है। इसके अलावा डिक्रीज्ड सेल का टर्नओवर होता है मॉइस्चर की कमी की वजह से और इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स आपके होते हैं जिससे हम टॉक्सिक कह रहे होते हैं, या इसके लिए आप लोग डिटॉक्स वाटर पीते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो टॉक्सिक है वो सारा का सारा एक्सट्रीट हो जाए। तो ये वो सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन की कंडीशन को मजीद वर्स की तरफ भी लेके जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो कि काफी ज्यादा है, और इन काफी ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा और जो मेन फैक्टर है दैट इज सन। वो जो बेसिकली सूरज की शुआएं हम तक पहुंचती हैं वो काफी ज्यादा हमारी स्किन को जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आजकल अगर इवन दो शहर के अलावा शहर के अंदर भी काफी पॉल्यूटेड एयर हो चुकी है, और इसके अलावा इवन अब विलेजेस की तरफ, गांव की तरफ भी देखा जाए तो फैक्ट्री ज्यादा होने की वजह से उसके साथ चीजें जो लिंक्ड हैं, तो काफी ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से भी आपकी स्किन लेड ज्यादा होने की वजह से डिस्टर्ब आपकी हो रही होती है। इसके साथ साथ हमारी कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स, आजकल हम जंक बहुत ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग काफी ज्यादा आम हो चुकी है, स्ट्रेस लेना भी जिम्मेदारी है हर किसी की, हर किसी ने स्ट्रेस लेना है, और इसके अलावा जो हमारे इंडोर वेदर और क्लाइमेट के चेंजेस भी आ रहे होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई चलते फिरते इन चीजों को फेस कर रहा होता है, लेकिन इसमें बचने की चीजें भी बात करेंगे। बट आज यहां पर मैं आपको एक और, आप लोगों का जो माइंड है वो एक खास चीज की तरफ और ज्यादा डिटेल में लेके जाना चाहूंगी, दैट इज सन एक्सपोजर। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैंने जिक्र किया था सन का, ठीक है, तो आज इसके बारे में भी थोड़ा सा लर्न करें कि सूरज किस तरह हमारी स्किन को, क्योंकि हमने तो बचपन से ये सुना है ना कि सूरज हमारे लिए बहुत अच्छा है,
हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमें विटामिन डी देता है, तो सूरज में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है और सूरज की छाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नो डाउट ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स हमें ये टाइम भी बताते हैं कि जी अगर आपने विटामिन डी बढ़ाना है तो फिर आपको सुबह की अर्ली जो सूरज की छाएं हैं वो आपको लेनी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सिनेरियो और है कि जब आप जो आपके सामने राइट और लेफ्ट पे दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ स्किन की सरफेस के साथ आप देख सकते हैं कि जब हम स्किन के ऊपर सनब्लॉक यूज नहीं करते, सनस्क्रीन यूज नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जब सूरज की छाएं आपके स्किन पे जाती हैं तो आपके स्किन के अंदर मौजूद जो हाइड्रेशन होती है, जो मॉइस्चर होता है, जिस तरह पानी के ऊपर सूरज की छाएं पड़ती हैं और पानी श्रिंक हो जाता है, गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आपके सबसे पहले लेवल से हाइड्रेशन खत्म होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी सेकेंड एपिडर्मिस से गुजरते हुए आपकी जो सेकेंड और थर्ड लेयर है डर्मिस और हाइपोडर्मिस, वहां तक ये आपकी जो अल्ट्रावायलेट ए रेज हैं, यूवीए रेज, जो कि अल्लाह ना करे कैंसर तक की बीमारियों को जन्म देती हैं ज्यादा इसकी हीट की वजह से, तो ये इस तरह आपकी स्किन के थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है अगर हम सनस्क्रीन को यूज नहीं करते, और इस तरह हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है। लेकिन इसी के साथ आप दूसरी पिक्चर पर गौर करें कि अगर आप सनस्क्रीन प्रॉपर यूज करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर फर्स्ट लेयर जहां पे आपका स्किन का मॉइस्चर होता है वो वहीं से रिटर्न हो जाती है, आपकी स्किन का मॉइस्चर भी कंट्रोल रहता है, आपकी स्किन डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपकी स्किन का ग्लो भी कहीं नहीं जाएगा, और उसके साथ साथ जो बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जन्म लेती हैं वो भी नहीं होंगी, ठीक है। सो सूरज से बचने के लिए हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर तो हमारे पास इतनी अमेजिंग कलेक्शन आती है, और मजे की बात यह कि हर डे क्रीम में ही तकरीबन SPF का भी शामिल होती है, यूवीए रेज के साथ हमारे पास सन प्रोटेक्शन फॉर्मूलाज भी शामिल है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो कि सूरज की शुआओं की वजह से डैमेज होने वाली पिक्चर्स हैं, यानी कि स्किन डैमेज हो जाती है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी मिलाजमा की। अब आप लोग डेफिनेटली इसमें बात करेंगे कि मिलाजमा तो एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से मिलाजमा अकर होता है, जो कि नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ इस पीरियड में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सन क्या करता है कि ये डैमेज को बढ़ाता है। जब आपके फेस के ऊपर मिलाजमा आ चुका होता है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आता है, लेकिन अगर आप सूरज में एक्सपोज होते हैं तो ये मिलाजमा कभी कभी आपको इरिटेट भी करता है, ये रेडनेस में भी कन्वर्ट हो जाता है और ये मजीद एक्सपेंड होता है और इसका कलर ब्राउन से ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक कंडीशन तो हार्मोनल है, लेकिन उसके साथ साथ सूरज जो है इस कंडीशन को वर्स्ट कर देता है। सेकेंड पिक्चर आप जो देख रहे हैं वो है पिगमेंटेशन की या हाइपर पिगमेंटेशन की, जो कि नॉर्मली सूरज की शुआओं की वजह से होती है, और वो क्या होता है कि आपका जो आपके सेल्स के अंदर मेलानिन जो पाया जाता है उसकी प्रोडक्शन जो है वो एक्स्ट्रा होने लग जाती है। मेलानिन एक ऐसा सेल होता है जो आपके बॉडी का जो स्किन का जो कलर होता है वो उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी एक्सेस बनने शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है मेलानिन की प्रोडक्शन, तो आप अपनी स्किन के टेक्सचर के अंदर जो कलर है उसको चेंज होता हुआ देख पा रहे होते हैं। तो मेलानिन जब ज्यादा हो जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन की सिचुएशन अकर होती है, और इसके अंदर छोटे 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 ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स आना बनना शुरू हो जा रहे होते हैं। इसके साथ जो थर्ड प्रॉब्लम अकर होती है सूरज की वजह से वो होते हैं रिंकल्स एंड सैगिंग स्किन। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था स्किन की तीनों लेयर तक बताना आपको मकसद इसलिए था कि कोलेजन और इलास्टिन क्यों जरूरी है, प्रोटीन है, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, टाइट रखेगा, बेबी स्किन रहेगी, फ्रेश रहेगी, सैगिंग नहीं होगी। लेकिन जब सूरज से प्रोटेक्शन आप नहीं कर रहे तो आपकी स्किन के अंदर जो एजिंग के साइंस हैं, जो कि रिंकल्स और सैगिंग है, ये काफी ज्यादा जल्दी आ जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपकी एज में नहीं थे उस एज के अंदर। सो इसलिए भी हमें सन से डैमेज के लिए बचना है। अच्छा, सन से डैमेज के बचने के लिए तो डेफिनेटली जब अभी आप बाहर जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बालों को, अपने फेस को, अपनी स्किन को ढांप लें,
और इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात यही होती है कि आप सनब्लॉक का इस्तेमाल कर लें या आप बड़ी एक हैट वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खानी है, अच्छी भरपूर 8 से 10 घंटे की आपने नींद लेनी है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, पानी ज्यादा लेना है, पानी का इस्तेमाल 8 से 10 ग्लास जरूर कीजिए, एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन और अच्छी हो जाए और आपकी स्किन थोड़ी पिंकी पिंकी भी होनी शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ स्मोकिंग नहीं करनी। अच्छा, और इसके साथ आपने एक अच्छी स्किन केयर रूटीन भी यूज करनी है ताकि आपकी स्किन जो डेली तौर के ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस को फेस करती है जिसकी वजह से इसकी कंडीशन वर्स होती है, तो वो भी आपको आपकी स्किन रूटीन जो है वो उसमें आपको हेल्प आउट कर रही होती है। यकीनन काफी सारे लोग इस बात पे एग्री नहीं करते कि हम पूरी रूटीन को क्यों यूज करें, हम एक ही चीज यूज करें। तो सबसे पहले तो एक बात ये भी है कि जो भी आपसे कहता है कि एक क्रीम के अंदर हर मर्ज की दवा है और एक क्रीम के अंदर ही आपका सब मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी एक एग्जांपल कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप क्रिकेट का मैच दो टीम्स प्ले कर रही होती हैं, बट दोनों टीम के अंदर क्या होता है 11-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर एक टीम प्ले कर रही हो और दूसरी तरफ जो कि यहाँ पे हम अगर बोलते हैं कि हम चारों पांचों रूटीन के स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय हम सिर्फ एक ही चीज को यूज करेंगे और अल्टरनेट के अंदर हम एक ही खिलाड़ी देते हैं शायद अफरीदी को कि जी जाओ और जाके 50 ओवर के अंदर आपने मैच जीतना है, तो क्या होगा कि शुरू के 3-4 बॉल्स पे तो अच्छे छक्के चौके लगेंगे, चले 3-4 ओवर्स तक तो लग जाएंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वीक होती जाती है और फिर वो चीज आपके लिए आपको इतना रिजल्ट नहीं दे रही होती। तो बिल्कुल उसी तरह आपने ऑप्टिमल स्कोप या आप जो भी रेंज यूज कर रहे हैं उसको रूटीन में यूज करें। रूटीन में यूज करने से सबसे पहला आपको फायदा ये होगा कि आपकी स्किन का हाइड्रेशन अच्छा हो जाएगा। हम अक्सर पानी पीने में बहुत कंजूसी करते हैं, मैं पर्सनली खुद भी बहुत ज्यादा कंजूसी कर जाती हूँ, लेकिन अगर आप साथ साथ स्किन रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं ना तो फिर भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, बट अगेन पानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूटीन के साथ साथ उसमें भी ऐसी चीजें एडेड हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर मौजूद होने के लिए वाटर लेवल को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा आपकी डबल टोन स्किन बैलेंस होती है, पूरी स्किन भी आपकी बैलेंस रहती है, कुछ जगह ऑयली कुछ जगह ड्राई, इस तरह की कंडीशन नहीं होती। फिर सबसे बड़ी बात, फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करती है। फ्री रेडिकल्स ये डेली का मामला है, रोजाना हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पुराने सेल्स टूट रहे होते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे सेल्स हमारे फेस के ऊपर हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे होते और वो फिर हमें एग्रेसर्स के तौर पर काम करते हैं और हमारी डिफरेंट स्किन कंडीशन को पैदा करते हैं। इसके अलावा जब आप रूटीन यूज करते हैं तो आप एजिंग साइंस जो है आपके वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपके स्किन के ऊपर इश्यूज हैं वो भी काफी ज्यादा इनकाउंटर होते हैं, और इसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ही खुश रहती है, बहुत ही हैप्पी फील करती है और स्किन भी हैप्पी रहती है। स्किन केयर रूटीन में अमूमन क्या स्टेप्स होते हैं, जो भी आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे डेली के तौर के ऊपर आपने जस्ट अपने आप को 2 मिनट्स आपने देने हैं। ये रूटीन दिखने में आपको काफी बड़ी लगती है लेकिन जस्ट 2 मिनट्स डेली की रूटीन है। सबसे पहले आपने फेस के ऊपर क्लेंजर यूज करना है। क्लेंजर क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर मौजूद डर्ट को और इम्प्योरिटीज को और एंड अगेन बहुत सारी पॉल्यूशन होती है वो उसको क्लीन आउट करता है और स्किन को रेडी करता है अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए। सेकेंड स्टेप के अंदर हम आई क्रीम यूज करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे एजिंग लाइंस जो आती हैं, क्योंकि हमारी आई अंडर आई एरिया की स्किन काफी ज्यादा डेलिकेट होती है तो वहां पे सबसे ज्यादा आई एरिया के अंदर रिंकल्स आते हैं, तो हमने सबसे पहले सेकेंड स्टेप के ऊपर आई क्रीम का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर रिंकल्स नहीं भी है तो इस आपके आई एरिया में पफिनेस होता है, डार्क डबल आपके जो बेसिकली डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी हाइड्रेशन के साथ बेहतर हो जाती हैं।
थर्ड स्टेप के अंदर आपने बूस्टर अप्लाई करना होता है. बूस्टर क्या करता है, वो उसकी कंसिस्टेंसी पे अगर आप गौर करेंगे तो वो काफी लाइट होता है क्रीम के मुकाबले में, और वो पतला डेलिकेट इसलिए होता है ताकि वो स्किन के अंदर जल्दी और ज्यादा डीप डाउन स्किन में पेनिट्रेट कर जाए. तो जैसे कि हमने अभी लेयर्स के बारे में बात की थी, तो बूस्टर हमारी थर्ड लेयर तक फौरी तौर के ऊपर पेनिट्रेट कर जाता है विद इन जस्ट सेकेंड्स, और वो वहां पे जाके सारे सेल्स को जगा देता है और क्या कहता है, खाना आ गया, खाना आ गया. ठीक है, तो बूस्टर जो है वो रेडी कर देता है, आपके सेल्स को जगा देता है कि अब खाना मिलने का टाइम हो चुका है. और उसके बाद हम डे क्रीम या नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली, और फिर हमारी स्किन जो है वो पैम्पर होती है, ट्रीट होती है, और मजीद इसकी कंडीशंस पे बेहतर होती है. सो हम बात कर रहे हैं आज परफॉर्मिंग रेंजेस के ऊपर, और ओरिफ्लेम की इस कैटलॉग के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऑप्टिमल्स की काफी बड़ी रेंज है. ऑप्टिमल्स के पीछे खास बात क्या है, जैसे कि कल हमने लव नेचर के बारे में काफी डिटेल में जाना, बट ऑप्टिमल्स के पीछे अगर जो फिलॉसफी है मैं उसकी बात करूं तो फिलॉसफी इज कि एक ऐसा न्यूट्रिशन आपकी स्किन को मिलता है राइट अमाउंट के अंदर जो आपकी स्किन की नीड है. और इसी वजह से जो ऑप्टिमल्स स्किन केयर है इसको बनाने वाले भी जो लोग हैं वो स्किन न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं. जिस तरह फूड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल आम लोगों के खाने पीने का एवरेज बता देते हैं कि इतनी कैलोरीज चाहिए, इतनी ये चीजें चाहिए, लेकिन जो स्किन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें स्किन के अंदर मौजूद कॉलेजन, इलास्टिन, हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चर कितने लेवल पे, कितनी परसेंटेज पे चाहिए, ये सारी चीजों की डेप्थ और साइंस उनके पास है. So, वो एक्सपर्ट्स जो है बनाते हैं ऑप्टिमल्स की रेंज, और उसके अंदर खास उतनी क्वांटिटी और उतनी अमाउंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं जो कि हमारी स्किन को नरिश रखने के लिए जरूरी है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारी ऑप्टिमल्स की रेंज को मजीद कीमती बनाती है और खूबसूरत बनाती है, दैट इज कि इस ऑप्टिमल्स की रेंज के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स या जो चीजें इसमें यूज की गई हैं, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सबके सब स्वीडन नेटिव से हैं. और स्कैंडिनेवियन ब्यूटी के बारे में आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते हैं, और स्वीडन कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कितनी हेल्दी और कितना हेल्दी फ्रेश एयर है वहां पे, और प्लांट्स कितने ज्यादा, सब हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ऐसी खास प्लांट्स जो कि बहुत ही कीमती है और बहुत ही फ्रेश माहौल और फ्रेश एनवायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो खास प्लांट्स और हर्ब्स के साथ इस रेंजेस के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स लॉक किए गए हैं. और इसके साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो टेक्नोलॉजीज भी नेचुरल ओरिजिन टेक्नोलॉजीज हैं, और जो कि इसके साथ साथ हमारी पॉल्यूशन से जो हमारी स्किन, क्योंकि इस वक्त अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे थे तो दो मेन फैक्टर्स की मैंने बात की, एक मैंने आपसे बात की पॉल्यूशन की और दूसरी मैंने आपसे बात की सन की. ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी स्किन को रोजाना की बुनियाद के ऊपर घंटों घंटों हमारी स्किन को इनसे फाइट करना पड़ता है. सो ऑप्टिमल्स की रेंज के अंदर इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है, और खास ऐसी गुडनेस इसके अंदर ऐड की गई है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा वाइटैलिटी के साथ ग्लोइंग और ब्यूटिफुल लुक दे रही होती है. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें जरूर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगी. मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब मैं ये बात बताती हूँ, और यकीनन आप लोगों को भी सुनने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और प्राउड भी फील होगा कि जिस तरह पानी को ओरिफ्लेम हमेशा ऐसे इकदाम करता है प्रोडक्ट बनाने में कि हम पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही डालना हमारा मकसद नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल को भी हेल्दी और सेफ रखना हमारा मकसद है. सो बाय 2025 तक वी आर एमिंग इंशाल्लाह कि स्किन केयर की ऑलरेडी अभी जो हमारी लव नेचर बोटानिकल्स है उसमें 100% बायोडिग्रेडेबल और रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें बनाई जा रही है, लेकिन वी आर एमिंग के 2025 तक जो हमारी बाकी रेंजेस हैं वो भी रिंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल के साथ बनाई जाएंगी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. आई एम श्योर यहाँ पे कुछ नए लोग हैं. एक बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत वर्थी है. रिंस ऑफ से क्या मुराद है? रिंस ऑफ से मुराद डेफिनेटली यही है कि जब हम
फेस वॉश करते हैं, हम अपने अपने आप को बॉडी को क्लीन करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपने बाल धोते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो इसके अंदर, अगर स्क्रब के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर कुछ बीड्स होते हैं जो कि प्लास्टिक बीड्स कहला रहे होते हैं, यूज किया जा रहा होता है स्पेशली स्क्रबिंग के लिए। तो ओरिफ्लेम उसका भी ख्याल रखते हुए कि पानी के लिए प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बेहतर नहीं है उस एनवायरमेंट के लिए, तो हम वहां पे स्क्रब्स भी नेचुरल यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरह रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स, इसी तरह जो इसके साथ फॉर्म क्रिएट होता है, जो जेल वॉश होता है, बॉडी वॉश होता है, उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स भी यूज नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो पानी आपका यूज हो रहा है वो पानी इतना ज्यादा स्पॉइल हो जाए कि वो जब मुख्तलिफ, क्योंकि पानी बड़े दरिया तक जाने तक बहुत सारे फसलों से गुजरता है, बहुत सारे पानी के अंदर मौजूद बहुत सारे फिशेज एंड ऑल दैट, इस तरह की छोटी छोटी ही चीजें हैं, लेकिन हम उसका भी ख्याल रखते हैं कि उन्हें भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये चीजें सुन के मुझे बहुत मजा आता है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करती हूँ कि यस, हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि एनवायरमेंट का इतना ज्यादा ख्याल रखती है। इसके साथ फॉरेस्ट की बात की जाए तो यस, अलायंस फॉरेस्ट जो नेचर एनजीओ है, बेसिकली अलायंस फॉरेस्ट से ओरिफ्लेम जो है वो पेपर के लिए जो अपना प्लांट वगैरह सब चीजें वहां से डील कर रहा होता है। और अगर आप अलायंस फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा अगर आप नॉलेज इसकी मजीद देखें तो ये एक ऐसी एनजीओ है जहां पे एग्रीकल्चर करते हुए जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को भी बेहतर बनाता है, और उसके साथ साथ जितने भी प्लांट्स को वहां से रिमूव किया जाता है पेपर बनाने के लिए, उनको दोबारा से रीप्लांटेशन भी उस पर की जा रही होती है, क्योंकि प्रॉपर एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जा रहा होता है। और इसी की वजह से जो यूजली पैकेजिंग के अंदर भी आप देखेंगे ओरिफ्लेम की, हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग नहीं होती, क्योंकि हमारा एम है कि हम कम से कम पेपर को इस्तेमाल करें, एंड इवन जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं वो रिसाइकल मटेरियल्स और रिसाइकल पेपर ही यूज होता है, ताकि हम एनवायरमेंट को भी कम से कम जो है वो हम नुकसान दे रहे हों। तो सस्टेनेबिलिटी जो कि ओरिफ्लेम का व्यू है, और सस्टेनेबिलिटी के साथ ओरिफ्लेम आगे बढ़ रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, नेचर के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा, इसके साथ साथ लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और इसके साथ साथ पैशन के साथ जितने ओरिफ्लेम के एम्प्लॉयज भी हैं वो अपने एम्स को एंड गोल्स को पूरा कर रहे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, मजीद इस सेशन को लेके चलते हैं ऑप्टिमल्स की जानेब, और थोड़ा सा इस ऑप्टिमल्स की रेंज को स्टडी करते हैं, जानते हैं, क्योंकि कैटलॉग जब आप खोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर तो ये भी रेंज है, मैं कौन सी यूज करूं, मेरी स्किन कैसी है। तो आज ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी, और इस ऑप्टिमल्स के वाइड पोर्टफोलियो को बताने के लिए मैं यहाँ पे इन्वाइट करूंगी हमारी सफाई डायरेक्टर जो कि हमारे साथ मौजूद है, फरहीन उनीब, आप सबकी जबरदस्ती। थैंक यू सो मच सदब, और बहुत ही जबरदस्त हमें नॉलेज मिली सदफ के थ्रू, बहुत डिटेल में हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, किस तरह हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी चीजें जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, या हम उसको रियलाइज नहीं करते कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी ज्यादा हमारे लिए जबरदस्त है। तो यहाँ पर बात हो रही है आज ऑप्टिमल्स की, यकीन आप सब लोगों ने कल का सेशन बहुत इंजॉय किया और बहुत ही मजा आया, और इसके साथ साथ हमें बहुत जबरदस्त नॉलेज मिली। और ऑप्टिमल्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल्स हमारी परफॉर्मिंग रेंज है, बेसिक पे हमने बात की, आज हम परफॉर्मिंग पे बात करेंगे, और ऑप्टिमल्स की जितनी भी रेंजेस हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल है, हम बड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें मिल रहे होते हैं, एजिंग हो, चाहे हमारी पिगमेंटेशन हो, अगर हमें हाइड्रेशन का इशू आ रहा है, हमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें इन रेंजेस में मिल रहे हैं। और अगर मैं ऑप्टिमल्स की बात करूं तो ऑप्टिमल्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं, जो अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज किए गए हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो डिस्क्राइब करने वाली हूँ वो है ऑप्टिमल्स क्लेंजर्स। हमारे पास जितनी भी रेंजेस मौजूद हैं, हमारे पास चार रेंजेस मौजूद हैं, ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस, हमारे पास है एज रिवाइव, ऑप्टिमल्स एवन आउट, और हमारे पास ऑप्टिमल्स के जितनी भी रेंजेस हैं उन सब में जितने भी क्लेंजर्स यूज हो रहे हैं वो क्लेंजर्स तकरीबन थ्री रेंजेस में वो यही क्लेंजर्स यूज हो रहे हैं। टोनर एंड क्लेंजर यही यूज होगा। बहुत बार से आपने इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे जो थ्री सेट्स हैं ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस, इसके साथ साथ ऑप्टिमल्स एवन आउट, ऑप्टिमल्स एज रिवाइव, इन तीनों के साथ हम क्लेंजर्स यूज करेंगे। तो चलिए क्लेंजर के बारे में कुछ जानते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ आई थिंक क्लेंजर्स मौजूद हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेरिफाइंग क्लीन क्रीमी क्लेंजर। या इसमें हमें ग्लिसरीन मिलेगा, इसमें हमें बहुत सारे ऐसे फूड एसिड्स मिलेंगे जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ही अच्छे हैं, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन के साथ साथ मॉइस्चराइजेशन और इसके साथ साथ हाइड्रेशन भी हमारी स्किन में से आती है। यहाँ पर एक और बहुत पेटेंट बात होती रहती है हमेशा से कि जो हमारा फोमिंग क्लेंजर है या जो क्रीमी क्लेंजर है, क्रीमी में क्या हम वॉश कर सकेंगे, अपने फेस को रिंस ऑफ कर सकेंगे? असल में हमारा एक साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि जो भी हम क्लेंजर यूज कर रहे हैं उस क्लेंजर में हमें फोम होना बहुत जरूरी है। उस क्लेंजर में हमें हम जब वॉश करें तो वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हो जाए कि हमारे क्लीन हो जाए, हमें फील हो के क्लीन हो चुका है। तो हमारा ये जो क्लेंजर है ये क्रीम टू फोम है, यानी कि जब हम वॉश करेंगे तो हम आराम से फोम की तरह वॉश भी कर सकते हैं, कॉटन से वॉश करके, और हम इसको वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा क्लेंजर है जो डीप क्लेंजिंग जेल है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट के बारे में आपको बताती चलूं, ये कॉम्बिनेशन टू ड्राई, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था एवन आउट हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमारी स्किन तो ड्राई है, या एवन आउट यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल कोई भी रेंज यूज कर रहे हैं तो लेकिन हमारी स्किन ऑयली की तरफ आ रही है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन टू ड्राई हम आराम से क्रीमी क्लेंजर यूज करेंगे। और अब जो हमारा सेकंड क्लेंजर है जो डीप क्लेंजिंग जेल है, डीप क्लेंजिंग जेल ऑब्वियसली क्लेंजर, इसके इंग्रीडियंट्स में आपको बताती चलूं कि जो स्ट्रॉबेरी में से के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है जिसमें विटामिन सी और इसके साथ साथ फ्रूट एसिड्स जो कि बहुत ज्यादा हमारी स्किन को प्रोटेक्शन और हमारी स्किन को हाइड्रेट और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है इसमें मौजूद है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर हम ये वाला क्लेंजर यूज करते हैं नॉर्मली जब भी हम ऐसा जेल फॉर्म में जो क्लेंजर्स यूज करते हैं वो एकदम से हमारी स्किन को सिवियर ड्राई की तरफ ले जाते हैं। अब अगर हम सिवियर ड्राई की तरफ जाते हैं तो वो अनबैलेंसिंग नहीं रहती, तो जब आप ये आपको प्योरिफाइंग वाली फीलिंग तो दे रहा है, बहुत अच्छा एक्सेस ऑयल सीबम बहुत अच्छी तरह रिमूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक क्वालिटी बहुत अच्छी है वो ये कि हमारी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होने दे रहा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेट रख रहा है हमारी स्किन को। इसके साथ एक और चीज वो ये कि हमारे जो क्लेंजर्स हैं, हमारी स्किन की जो लेयर्स जिनकी बात अभी सदफ ने करी, एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस, क्लेंजर हमारी स्किन में जाता है हमारी थर्ड लेयर पे जाकर जो जो इम्प्यूरिटीज है उसको बाहर निकालता है और क्लीन एंड क्लियर हमारी स्किन को करता है। अब टर्न आती है टोनर की, और टोनर बहुत ज्यादा जरूरी है क्लेंजर्स के साथ। टोनर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारी डेप्थ में क्लेंजिंग होती है तो हमारी जो सेल्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए और इसके साथ साथ हमारी स्किन को और मजीद हेल्दी रखने के लिए, रेडियंस लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्लेंजर, सॉरी टोनर। अब टोनर की अगर बात करें तो टोनर में हमें मिल रहा है B3 और B5 एंड B3 जो कि हमारी स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चराइज है, जिससे नेचुरल मॉइस्चराइज होती है हमारी स्किन, एक कुदरती तरीका होता है
उसको क्रिएट करता है, उसको सेल्स को में एक्टिव करता है और वो वहां से हमारे सेल्स में क्रिएट होके बनकर और हमारी स्किन को और फ्लॉलेस करता है। तो ये बेहतरीन क्लेंजर्स एंड टोनर ऑप्टिमल्स में हमारे तीन रूटीन सेट के साथ मौजूद है जो हम आगे और भी कुछ जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इवन आउट की। ऑल एजेस के लिए इवन आउट बहुत ज्यादा जरूरी है। डार्क स्पॉट्स, टू-टोन स्किन, डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमने मेलानिन की बात करी, ऑब्वियसली एशियंस जितने भी होते हैं हम सब लोगों को बहुत ज्यादा मेलानिन की वजह से या हमें उन रीजंस की वजह से वो अनबैलेंसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे पिगमेंटेशन आ जाती है। अब पिगमेंटेशन तो आ गई स्किन के ऊपर जो हमारी आउटर समटाइम्स आउटर लेयर है या समटाइम्स सेकेंड लेयर में भी होती है, ग्रेजुअली वो ऊपर आती है और हमारी जो हमारी एपिडर्मिस है उस पर आती है और यहाँ पैचेस पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारी स्किन पर नजर आ रही होती है। लेकिन हम उसको इतना ज्यादा समटाइम्स नोटिस नहीं करते या कुछ स्पॉट आता है तो नोटिस नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बहुत ज्यादा अपनी जगह बना लेते हैं और पूरा पैच बढ़ के पूरे हमारे चीक्स पे आ जाता है। अब उससे फाइट कैसे करनी है, उसको वहां से रिड्यूस कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी क्रीम्स जैसे कि नॉर्मली हमें मिल रही होती है मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसी क्रीम्स या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिल रहे होते हैं जिनमें एक ब्रांड की बात हो रही है या किसी एक क्रीम की बात हो रही है। इससे पहले भी हमने गाइड किया कि कोई भी एक क्रीम कभी भी स्किन को बेहतर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है जो हमारे उस कंसर्न जो स्किन के कंसर्न है उसको पूरा करेगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्टिमल्स इवन आउट वो बैलेंस कर रहा है, आप हमारी स्किन को ब्राइटनिंग दे रहा है, हमारी स्किन को अनइवन टोन को वन टोन में लेकर आ रहा है। और इसकी फोर प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इससे पहले आपको क्लेंजर्स एंड टोनर बताए, उसके साथ हम अपने स्किन टाइप के हिसाब से वो क्लेंजर एंड टोनर को पिक करेंगे और फिर इन जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे रूटीन को साथ साथ अप्लाई करेंगे। तो हमने क्लेंजर टोनर अप्लाई किया, क्लेंजिंग करी, डीप क्लेंजिंग हो, टोनर किया, टोनर अप्लाई करने टोन किया अपनी स्किन को, फिर हमारी बारी आती है थर्ड स्टेप की। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं एक चीज, आप नोटिस करिएगा कि कोई भी एक क्रीम, कोई भी एक प्रोडक्ट और इसके साथ साथ हमारी स्किन की लेयर्स, अब हमारी स्किन की लेयर्स कोई भी एक प्रोडक्ट तो किस तरह से काम करिए। क्लेंजर किसी और का, हमने आई क्रीम किसी और चीज के लिए, ओके हमने डे लिया या नहीं लिया, हमने सिर्फ नाइट क्रीम ले ली, हमने सिरम लिया नहीं, तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे उस कंसर्न उस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल इस तरह से कि पूरा साइकिल बनता है, क्लेंजर टोनर आई क्रीम सिरम डे क्रीम नाइट क्रीम, अगर ये पूरा साइकिल ही कवर नहीं हुआ तो फिर हमने किस चीज को इंडिकेट किया। यानी कि ये फिंगर्स की बात करूं, मैंने तीन फिंगर्स नहीं टू फिंगर्स से काम किया, तो आप खुद बताएं कि हम दो फिंगर्स के साथ काम कर ही नहीं सकते, हमें पूरी फिंगर्स होंगी, बहुत मुश्किल होगी ना अगर हमारी एक भी फिंगर ना हो और अगर हम फोर फिंगर्स या टू थ्री फिंगर्स से काम करें। तो इसी तरह हमारी स्किन भी है, अगर हम इसमें से एक के बाद एक चीजों को हटाते जाएंगे, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि सिर्फ नाइट क्रीम चाहिए या हमें सिर्फ डे क्रीम दे देने, नहीं सिरम नहीं लेना, तो ये पूरा प्रॉपर रूटीन है। आई क्रीम क्यों यूज करनी है, क्योंकि एजिंग सबसे ज्यादा आंखों से दिखती है, आंखें बताती है कि एज कितनी है, तो सबसे पहले हमें आई को ट्रीट करना है। सिरम जैसे कि भी सदफ ने भी आपको बताया कि हमारी थर्ड लेयर पे जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं उनको बूस्ट करेगा, रेडी करेगा, प्रिपेयर करेगा, और जब हम डे क्रीम यानी जिसमें हमारा एंटी ऑक्सीडेंट शामिल है, एंटी ऑक्सीडेंट ऑब्वियसली हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उससे बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देता है, वो यूज करेंगे तो हमारे डे शील्ड भी बन गई, हमारा एसपीएफ भी इसमें हम अभी इसको कैलकुलेट भी करते हैं वो भी शामिल हो गया, और हम इसके साथ साथ हमारी ट्रीटमेंट भी हो गई। और फिर नाइट क्रीम यानी कि क्लेंजर, जब रात हुई तो फिर क्लेंजर टोनर आई क्रीम सिरम, और अब डे क्रीम की जगह हम नाइट क्रीम अप्लाई करेंगे।
नाइट क्रीम क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, हमें रात को बॉडी बहुत काम होती है तो पूरे दिन के हम थके हारे होते हैं, तो हम अपने ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और हमें मॉइस्चराइज भी रख रही है हमारी स्किन को, जो कंसर्न है उसको बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर रही है। SPF का भी जिक्र कर लेते हैं, इसमें 20 SPF है। अगर हमें SPF कैलकुलेट करना हो कि कितना SPF बनेगा तो हम 20 के आगे एक जीरो लगा देंगे, तो ये 200 मिनट्स तक हमें सन प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये भी बहुत अमेजिंग बात है कि हमें पूरा एक रूटीन प्रॉपर वे में लेके चलना है, और जैसे कि हमने इस सेशन में शुरू से सन प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा फोकस किया क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज वहां से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें पूरा रूटीन को फॉलो करना और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम अपनी स्किन को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हम खास तौर पे इंडिकेट करेंगे हमारे यूनिटोन को। यूनिटोन बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है इवन आउट के सेट में, वो हमारे जो जो डार्क स्पॉट्स हैं और जो हाइपर पिगमेंटेशन है खास तौर पर उसके लिए बहुत जबरदस्त इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो ये दो चीजों को आइडेंटिफाई करके बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट दे रही है और हमारे दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। इसमें गूसबेरीज हैं जो बहुत जबरदस्त हमें विटामिन दे रही हैं। अगर हम बात करें मेडोस स्वीट, जो कि एक ऐसा प्लांट है जो कि नेटिव स्वीडन के जो नेटिव एरियाज है वहां पर हमें वहां पे ग्रो करता है, और वो विटामिन सी भी हमें दे रहा है, और विटामिन सी के साथ साथ हमें सैलिसिलिक एसिड भी दे रहा है। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली हमारी जो स्किन है उसकी कंडीशन को बेहतर करने में बहुत काम आता है। अक्सर आप सैलिसिलिक एसिड को देखते होंगे कि वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ या हम बताते हैं, तो वो हमारी स्किन की कंडीशन को बेहतर करने में डिफरेंट कभी एक्नी में, कभी हमें डार्क स्पॉट्स में, कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी ऑब्वियसली हमारी जो डिस्कलरेशन और टू टोन स्किन है इसको वाइटर टोन में या ब्राइटर टोन में लाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हमें मिल रहे हैं ये बहुत अमेजिंग है। और प्रोटेक्ट जो के हमने ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज से, जो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो हम ले रहे होते हैं, हमारी जो हम ऐड कर रहे होते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमारी ऑप्टिमल्स की रेंज में मौजूद है। अब बारी आती है एज रिवाइव की। अच्छा, मैंने इससे पहले जो आप लोगों से बात की इवन आउट की, तो 20 प्लस से हम इवन आउट यूज कर सकते हैं। 20-25 प्लस से हम इवन आउट आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें वो वाले इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखें तो 20, जब हम 20 साल के होते हैं उसके बाद से एजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। एज रिवाइव की अगर बात करें तो नॉर्मल टू ड्राई आराम से एज रिवाइव को यूज कर सकते हैं। 30 प्लस, अब ये टारगेट कर रहा है। टारगेट क्या कर रहा है? ये एक ऐसा रूटीन सेट है जो कि 30 प्लस जितनी भी क्या बोलूं, खवातीन तो नहीं बोलूंगी, जितनी भी लड़कियां हैं तो हम सब जो हैं वो यूज कर सकते हैं, कि हमें एज रिवाइव यानी कि एजिंग के इश्यूज आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्लिनजर टोनर आपको कौन सा वाला यूज करना है, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया वही क्लिनजर टोनर जो आपकी स्किन टोन है, स्किन प्रॉब्लम कंसर्न है, उसी के हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सदफ ने आपको एक पूरा चार्ट बताया, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, उसको देखते हुए आपने और अपनी स्किन को देखते हुए आपने चेक करते हुए यूज करना है। अब यहाँ पर एजिंग साइंस, बहुत सारे एजिंग साइंस होते हैं, हमें एजिंग का, सैगिंग का और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज आ रहे होते हैं। हमें रिंकल्स, फाइन लाइंस के इश्यूज आ रहे होते हैं, हमें डार्क स्पॉट्स, डलनेस, सैगिंग स्किन, ये वो मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जाती है। और जब हम 30 पे आते हैं तो 30 पे आके क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ती है? एक तो हमारा कॉलेजन लेवल डाउन होने लगता है, इसका मतलब जो प्रोटीन है, जो जो प्रोटीन बनता है हमारी स्किन के अंदर, जो कॉलेजन बन रहा होता है, उस
कि जो बनने का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे पास कॉलेजन की वो लेवल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रिंकल्स आएंगे, क्योंकि कॉलेजन लेवल इंक्रीज के बजाय डिक्रीज थोड़ा होने लगता है और रिंकल्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए एजिंग एंड वो प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन या कॉलेजन हो वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उसको भी कवर कर रहा है। इसके साथ साथ स्टैगिंग स्किन, अब स्किन का पूरा एक स्ट्रक्चर है, अब 30-40 के बाद समटाइम्स हमारी स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो हिलने लग जाता है और हमारी जो आई एरिया है वो नीचे गिरते गिरते यानी कि एक डाउन अगर डाउनवर्ड की तरफ हम कहें तो पूरा चिन एरिया हिलता है, फिर चीक्स नीचे आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है उसमें सैगिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और सैगिंग का प्रोसेस शुरू होते ही एजिंग एकदम से लगने लगती है। तो 30 के लिए हमारे पास जो 30 के बाद जो हमारे पास एज रिवाइव है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज के लिए भी। डलनेस, जैसे मैंने आपसे कॉलेजन की बात की, मैंने आपसे बात की प्रोटीन का जो हमारा प्रोसेस जो हमारा नहीं बन रहा उन सब चीजों की बात की, तो यहाँ पर हमें डलनेस भी वहां पे कवर हो रही, क्योंकि जब हमारा ये वाला ये नीड पूरी हो रही है, यहाँ पे हमें प्रॉपर वो वाला फूड मिल रहा है हमारे प्रोटीन का, तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली अब क्या पेयर हो रहा है, हमारी स्किन ग्लोई भी हो रही है, हेल्दी भी हो रही है, जो डलनेस थी वो भी रिकवर होना शुरू हो गई और रिंकल्स और फाइन लाइन ये भी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मैंने एजिंग साइंस की बात की, जो यहाँ पर मल्टी रिन्यूएबल एज है वो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली हमारी जो फॉर्मनेस है, फॉर्म और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म करती है और इसके साथ साथ इलास्टिसिटी पैदा करती है। मैंने भी आपको बताया ये सारे जो इंडिकेशंस हैं जो सैगिंग स्किन और सारी चीजें, अब यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पे हमें फॉर्मनेस मिल रही है। फॉर्मनेस क्या मिल रही है, स्किन की टाइटनिंग यानी कि टाइट करने में सपोर्ट करता है, और ऑब्वियसली जब सैगिंग हो रही है तो हमें टाइटनिंग की जरूरत है। अब इसके बाद आ जाते हैं इलास्टिसिटी यानी खिंचाव, हमें इलास्टिसिटी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि हमारी सैगिंग स्किन का प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और हम वो जो 5-6-7-8 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फॉर्मनेस भी मिल रही है और इलास्टिसिटी भी मिल रही है, इसके साथ साथ मिनरल्स मौजूद है, शुगर्स मौजूद है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड बेसिकली जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने में हमारी स्किन में कॉलेजन या प्रोटीन बनाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ये इसमें शामिल है। और बहुत सारी ऐसे फ्रूट एसिड्स हैं जिनकी जरूरत होती है हमारी स्किन को, वो हमें मिल रहे हैं ऑप्टिमल्स के इस पूरे सेट से। तो ये रूटीन हम इसी तरह से यूज करेंगे कि पहले हम क्लींजर, देन टोनर, आई क्रीम, सिरम। यहाँ पर एक और बात आप लोग बताती चलूं कि सिरम अगर हम सिरम देखते हैं एज रिवाइव का, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है। हाइलुरोनिक एसिड क्या चीज है, हाइलुरोनिक एसिड अक्सर आपको कॉस्मेटिक्स में भी नजर आएगा, बहुत सारे आपको फाउंडेशंस में, ओरिफ्लेम के फाउंडेशंस में नजर आएगा, जीजी में नजर आएगा, इसी तरह हमें स्किन केयर में भी मिलता है। और हाइलुरोनिक एसिड हमेशा जो प्लम स्किन करने, यूथफुल स्किन दिखाने और ग्लोई, एक ऐसी जो हमें लगता हमें चाहिए होती बेबी स्किन टाइप की, सॉफ्ट एंड स्मूथ, और इमिजिएटली हमारी स्किन को बहुत ग्लोई दिखाता है। और हाइलुरोनिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बहुत सारी ऑप्टिमल्स की रेंज में भी हमें हाइलुरोनिक मिलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है जब मैं बताती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड इसमें है, क्योंकि मुझे पता है कि वो यूथफुलनेस को बहुत अच्छी तरह से लेकर आता है। तो यहाँ पर हमें एज वाइज बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे रही है जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ हमारे पास है हाइड्रा रेडियंस, ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस फॉर ऑल एजेस और नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। अब ये जो रूटीन सेट है इसमें भी हम उसी तरह से ही करेंगे, हम कौन सा क्लेंजर टोनर यूज करेंगे, हम क्लेंजर टोनर दोनों क्लेंजर्स एंड टोनर हम वो ही यूज करेंगे जो हमारे ऑप्टिमल्स के जो हमने अभी आपसे शुरू में मैंने डिस्कस किए। 4 प्रोडक्ट्स ये हैं और उनको मिला के पूरी 6 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज करनी है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्यों हमें ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस लेना चाहिए, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन का इश्यू आता है, हमारी स्किन ऐसी स्किन हो जाती है जो कि डल है, थोड़ी ड्राई की तरफ जा रही है,
कलर डिम हो गया है, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई हम अपनी स्किन को जो है ना बेहतर तरीके से हमें ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और ग्लो नहीं ला पा रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए ऑप्टिमल्स हाइड्रो रेडिएंट से थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से इश्यूज हैं हमें हमारी स्किन में, जैसे मैंने कहा शाइन नहीं होती, ड्राई होता है, डल होते, सेंसिटिव हो जाती है और जगह जगह से डैमेज हो जाती है अनइवन स्किन टोन के अलावा भी। और बहुत ज्यादा मैं ये भी आपको बताऊं कि जब हम डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, हमारी स्किन जब डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो टोन डल हो जाती है, स्किन टोन ही डल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच लेवल। अगर किसी भी स्किन का पीएच लेवल बेहतर नहीं है तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ यही सारे इश्यूज होंगे, डलनेस, ड्राइनेस, ऐसी स्किन जो के डिहाइड्रेटेड स्किन है। तो ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस में बहुत अच्छे तरीके से पीएच लेवल को बैलेंस किया गया है। पीएच लेवल को बहुत ही आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी स्किन का मॉइस्चर और ड्राइनेस, ये जब अनबैलेंस होती है तो हमारी स्किन डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो ये रेंज बहुत ही अच्छे तरीके से पीएच लेवल को बैलेंस कर रही है ताकि हमारी स्किन में ना तो बहुत सिवियर ड्राइटेज है और ना बहुत ज्यादा ऑयली हो, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाए और हमारी स्किन इसीलिए हेल्दी एंड ग्लोई लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी है। मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी हाइड्रेशन को लॉक कर रही है और हाइड्रेशन को लॉक करने के साथ साथ हमारी स्किन को हेल्दी भी रख रही है और बैरियर लगा रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं कि एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमल्स में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया गया है, तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स जो कि एनवायरमेंटल इफेक्ट से हमें बचा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है ब्राउन एंड ग्रीन एल्गाए है, हमारे पास क्लाउड बेरीज है, इसके साथ साथ हमें हीदर है जो हमें हेल्प कर रहा है उन बैरियर्स पे। किस चीज पे हेल्प कर रहा है, ये बैरियर बना रहा है और हेल्प किस चीज के कर रहा है, उस बैरियर के हेल्प कर रहा है जो हमारी स्किन पे बन चुका है, जिससे हमारी स्किन पूरी डलनेस और हमारी स्किन अनहेल्दी स्किन की तरफ चली गई है। तो ये उस बैरियर को तोड़ के एक नया बैरियर बना रहा है जो कि हेल्दी, ग्लोई, हाइड्रेटिंग इस तरह का है। यहाँ पर हम ऑप्टिमल्स हाइड्रा उन्हीं स्किन को देंगे जिनको डलनेस और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन हो और जिनकी स्किन में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो और बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ जा रही हो, तो ये रेंज उन सब लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कुछ बूस्टर्स की। अब यहाँ पर आप लोगों को तीन बूस्टर्स नजर आ रहे हैं। बूस्टर्स हम क्यों यूज करें, देखें बूस्टर्स हम इसलिए यूज करते हैं, हम स्किन रूटीन यूज कर रहे हैं, ओके हमारी स्किन बहुत अच्छी जा रही है, फ्लॉलेस जा रही है, अब उसके साथ साथ हमें कोई एक इशू आ रहा है स्किन में, हमें लग रहा है कि हमें हमें वेदर चेंज हो रहा है और हमें नरिशमेंट की जरूरत है, तो हम फिर नरिशिंग बूस्टर यूज करेंगे। हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, मैं यूज तो कर रही हूँ ऑप्टिमल्स एवन आउट, लेकिन मुझे डिहाइड्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि मैं पानी कम पी रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे पानी का इंटेक कम है, तो फिर मैं जाऊंगी प्योरिफाइंग की तरफ, प्योरिफाइंग बूस्टर की तरफ। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, मैं फॉर एग्जाम्पल अर्बन 3D यूज कर रही हूँ और मुझे मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा मेरा कॉम्प्लेक्शन या मेरी स्किन और ज्यादा विटामिंस वाली हो जाए, तो मैं जाऊंगी एंटीऑक्सीडेंट की तरफ। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट बूस्टर डिफरेंट रूटीन्स में हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बूस्टर्स दिखाती भी चलूं, हमारे पास तीन बहुत ही जबरदस्त बूस्टर्स हैं और बूस्टर्स को हम यूज कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है बूस्टर्स को यूज करना। मैंने यहाँ पे अर्बन 3D गार्ड की एक क्योंकि ओरिफ्लेम में जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्किन केयर की बात करूं तो बहुत कम क्वांटिटी लगती है, मैंने बहुत कम क्वांटिटी से इसमें ऐड की है और हम बूस्टर ऐड करके मैं आपको बताती हूँ। आपने क्लेंजर किया, टोनर किया, आई क्रीम लगाई, आई क्रीम के बाद आपने बूस्टर अप्लाई किया, बूस्टर अप्लाई किया, बूस्टर के बाद
सॉरी सिरम अप्लाई किया और सिरम अप्लाई करने के बाद क्रीम जब अप्लाई करने लगे तो हम वन ड्रॉप एंड टू ड्रॉप, जस्ट टू ड्रॉप्स लेंगे और हम बिल्कुल इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम अपने बूस्टर्स को अप्लाई करेंगे और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इन बूस्टर्स के। इंशाल्लाह आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये तीन अमेजिंग बूस्टर्स जो कि हमें जबरदस्त रिजल्ट्स दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सफोलिएट की बात करेंगे और कुछ हम बात करेंगे मास्क की, यानी स्क्रब एंड मास्क। सबसे पहले मैं स्क्रब की बात करती हूँ। जब हम स्क्रब पे जाएंगे, ऑप्टिमल्स के जो स्क्रब्स होते हैं वो स्पेशली बहुत ही डेप्थ में अगर हम इसको देखें तो हमें इसमें फ्रूट एसिड्स मिलेंगे, हमें यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ हमें जो ग्रैन्यूल्स हैं, स्पेशली अगर मैं स्क्रब्स ओरिफ्लेम की स्क्रब्स की बात करूं तो इसमें तो वैसे एलमंड शेल्स के ग्रैन्यूल्स हैं। अगर ग्रैन्यूल्स की बात करूं तो अगर आप बहुत ही आपको हल्का बिल्कुल फील नहीं होगा कि बहुत कोई हार्श फीलिंग आ रही है स्क्रब करके, और स्क्रब को याद रखिए सर्कुलेट फॉर्म में यूज करना है, कभी भी स्क्रब को हम ऐसे ऐसे नहीं यूज करेंगे, सर्कुलेट फॉर्म में यूज करना है। और स्क्रब के इस स्क्रब का जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है। ऑलमंड शेल्स अगर मार्केट में बात करें तो वहां पे स्क्रब्स में हमें प्लास्टिक सीड्स, प्लास्टिक के जो पीसेस हैं वो नजर आएंगे या ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, लेकिन ओरिफ्लेम हमेशा बेरीज के ग्रैन्यूल्स होंगे या फिर आपको ऑलमंड शेल्स के होंगे, ग्वावा के होंगे, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स एंड इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके ही शेल्स आपको मिलेंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है और डेप्थ में जाके हमारी डेड स्किन को रिमूव कर रहा है, क्योंकि अगर हम डेड स्किन रिमूव नहीं करेंगे ट्वाइस अ वीक लाजमी डेड स्किन रिमूव करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम जितने भी रूटीन लगा रहे हैं या जितने भी सिरम्स या बूस्टर्स लगा रहे हैं बिल्कुल भी वो इफेक्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि डेड स्किन बार बार आ रही होती है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग मेकअप भी यूज कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट इतने ज्यादा आ रहे होते हैं, तो हमें स्क्रब्स यूज करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ हमारे दो मास्क, एक है हमारा मॉइस्चर क्विंचिंग मास्क और दूसरा मास्क है प्योरिफाइंग। अच्छा, ये दो मास्क जो हैं, ये दोनों मास्क का बता दूं, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये हमारा प्योरिफाइंग क्ले मास्क है। प्योरिफाइंग आपको पता होगा कि ऑयल कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहा है और हमारी स्किन को अच्छा टेक्सचर दे रहा है और साथ साथ हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है और स्किन की को बहुत अच्छी टाइटनिंग भी दे रहा है। क्ले मास्क हमेशा इसके लिए यूज किया जाता है। और ये चारकोल क्ले मास्क है जो कि बहुत ज्यादा पसंदीदा लोगों का होता है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई हमें चारकोल वाला क्ले मास्क या क्ले मास्क ऐसा चाहिए इसमें चारकोल भी हो, तो ये क्ले मास्क बिल्कुल हमें वो इफेक्ट दे रहा है जो हम एक्चुअली चाहते हैं, हमारी क्लियर प्योरिफाइंग स्मूथ और ऑयल जिसको जो जितना भी हमारे सीबम है उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त मास्क है। अगर आप इसका टेक्सचर देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा दूं, बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है बहुत हार्ड हो जो लगने में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। इसके साथ साथ एक और मास्क है और यहाँ पर जो दूसरा मास्क है वो है मॉइस्चर क्विंचिंग मास्क। अब मॉइस्चर क्विंचिंग मास्क को मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर आप लोग चेक करिए, मैं आई थिंक वो शाइन दिखा पा रही हूँ, मैं अप्लाई करके भी दिखाती हूँ आप इसकी शाइन और इसको आपने जरा सा चेक करना है। बेसिकली मैंने आपसे एक बात की थी हाइलुरोनिक एसिड की, इसमें हाइलुरोनिक एसिड यूज किया गया है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ग्लोई और जबरदस्त तरीके से हाइड्रेटेड रख रहा है और हमारी स्किन को जो एजिंग साइंस हैं उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा है और हमें बहुत अच्छा स्मूथ सॉफ्ट हेल्दी और नरिश बहुत अच्छी स्किन दे रहा है। तो ये दो मास्क हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम क्विंचिंग मास्क की बात करें तो उसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स के जो शुगर्स हैं वो उसमें ऐड है
और बहुत अच्छा हाइलुरोनिक एसिड का लेवल है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को ग्लो और हमारी स्किन को हेल्दी रखा है। तो ये अमेजिंग सी जो प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम हमारे लिए ऑप्टिमल्स की रेंज में लाया है, ये बहुत जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त इफेक्ट देती है। यकीनन आप लोग भी जरूर ट्राई कर रहे होंगे, और अगर ट्राई नहीं किया तो जरूर जरूर ट्राई करें। याद रखें, जो हम मास्क एंड स्क्रब यूज करेंगे वो ट्वाइस अ वीक लाजमी है। अगर आप वीक में दो दफा नहीं करते तो फिर उससे क्या होगा, उससे होगा कि स्किन पे जब प्रॉब्लम, जैसे पहले की अगर बात करूं तो पहले वक्तों में जब हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त क्या होता था कि हमें इतनी ज्यादा जरूरत, इसलिए हमारी मदर्स को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं थे। अब ब्रेजेस हैं, अब पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें, तो उसी तरह हमें उसके लिए रेडी भी रहना है, अपनी स्किन को लेके चलना है कि हम लॉन्ग टर्म अपनी स्किन को बेहतर रख सके। तो ट्वाइस अ वीक हमें स्क्रब एंड ट्वाइस अ वीक हमें मास्क, जो कि आपकी स्किन कंडीशन के लिए, और ये वाला जो मास्क जो मैंने क्ले मास्क बताया ऑयली स्किन, और जो मैंने आपको क्विंचिंग मास्क बताया, ये ड्राई कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ इनवाइट करूंगी हमारी बहुत ही जबरदस्त लीडर को, और जो कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट नॉलेज रखती है, आपकी भरपूर तालियों में नौशीन इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके जी, तो अर्बन गार्ड 3D की प्रेजेंटेशन आपके सामने हाजिर है। ये वाली रेंज जरा डिफरेंस है आम रेंज के मुकाबले। क्या डिफरेंस है इसमें, आए देखते हैं। सबसे पहले तो 3D, अच्छा मैं अपनी हर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है उसमें आप लोगों को बताती हूँ कि ओरिफ्लेम हमेशा दो चीजों के साथ चलता है, दो या तीन। एक वो जो साइंस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ लैब में प्रोडक्ट बनती है, और एक कम्प्लीटली नेचुरल हर्ब इंग्रेडिएंट या एक्सट्रैक्ट होता है। इनके हसीन इंतजार से हमारी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं अमल में हमारे सामने। अच्छा, ये अर्बन गार्ड 3D की रेंज है, ये वन बाय वन ये भी बताऊंगी, डेमो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, लेट्स गो टूवर्ड्स देम। अच्छा, ये बेसिकली है पॉल्यूशन से रिलेटेड जो स्किन पे स्ट्रेस आता है उसके लिए रेंज बनाई गई है। क्यों ये रेंज आजकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज अब बाहर काम करती ही करती हैं, तो जो पहले रेंजेस घर में डे में चूल्हे के सामने या घर में ऐसी मूव करते हुए ठंडे ठंडे लगा लेते थे, उनका इतना असर नहीं होगा। दिस इज वाई दिस रेंज इज इम्पॉर्टेंट, एंड यस मेल्स भी ये रेंज यूज कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग मेल्स एंड फीमेल्स सब ये रेंज यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली हम कराची पाकिस्तान में रह रहे हैं या और सिटीज में रह रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो हमारे यहाँ वैसे ही ज्यादा है, तो ये रेंज हमारे लिए वैसे ही बहुत मुफीद होगी। अच्छा, क्या क्या इंतजाज है इसमें? सबसे पहले तो ओरिफ्लेम की एक टेक्नोलॉजी है, वो अर्बन 3 रेस्क्यूअर के नाम से, उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन पहले हम देखते हैं कि नेचुरली इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। पॉलीफिनॉल्स फ्रॉम नॉर्डिक स्प्रूस, क्या वर्ड है इतने मुश्किल से। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, ऐसी ठंडी कंट्रीज 5-6 हैं, उनको नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं। स्प्रूस ट्री होता है, उसके पत्ते आपको नजर आ जाएंगे अगर आप अर्बन 3D की गूगल आउट करेंगे या पुराने कैटलॉग में देखेंगे जब ये लॉन्च हुई थी। उसमें से होते हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उन प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स, उन दरख्तों से जो कि उन मखसूस कंट्रीज में होते हैं वहां से ये लेके बनाई जाती है टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके। अब टेक्नोलॉजी कौन सी है वो भी देखते हैं, पॉल्यू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करती है ये चीज हमको, और स्किन के ऊपर एक बैरियर लगा देती है, ठीक है, ताकि गर्मी की हिद्दत डेफिनेटली पॉल्यूशन सुबह के वक्त ज्यादा फील होता है, गर्माइश ज्यादा होती है धूप की, इवन अगर सर्दी भी हो रही है कराची में तो ऐसा होता है, तब भी धूप में तमाजत बहुत ज्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पॉल्यू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों को कवर करती है, प्लांट एक्सट्रैक्ट जो पॉलीफिनॉल्स हैं उनके साथ साथ। अर्बन 3 रेस्क्यूअर याद है शुरू में बोला था, अब ये लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, 3-part कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स स्ट्रेंथन एंड बैलेंस योर स्किन वाइल रीइंफोर्सिंग हाइड्रेशन लेवल्स। अच्छा, अर्बन 3 रेस्क्यूअर क्या करती है, हाइड्रेशन,
ये सारी आजकल की दो दिन की जो ट्रेनिंग है और कल भी जो होगी उसमें बार बार बताया जाएगा स्किन की हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक छोटी सी चीज जो कि मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा है वो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। मेरी ऑयली स्किन थी तो मैं समझती थी कि चूंकि इतना ऑयल आ ही रहा है तो मुझे ऐसी चीजें लगानी चाहिए मास्क वगैरह जिससे स्किन ड्राई रहे और हाइड्रेशन से मुझे दूर रहना चाहिए। जब ओरिफ्लेम में आई स्टडी किया एंड फिर अप्लाई भी किया क्योंकि मुझे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती तो हर तरह की चीजें मुझे अप्लाई करनी होती देन आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज कि हाइड्रेशन हर किसी के लिए जरूरी है। जी हाँ आपके लिए भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी क्लींजिंग के बाद हाइड्रेशन जरूरी है क्योंकि हाइड्रेशन का ऑयल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर आप ऐसी क्रीम लगाएंगे जिसमें हाइड्रेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयल प्रोड्यूस होगा। ऑयल डिफरेंट तरीके से हमारी जीन्स में हमारी स्किन की बनावट ऐसी होती है या वही बात है कि गर्मी है या हिद्दत है चूल्हे की तो उसकी वजह से नेचुरली डेवलप होता है लेकिन हाइड्रेशन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखती है। तो हाइड्रेशन जरूरी है हर एज के लिए एंड हर स्किन टाइप के लिए। ठीक है तो यहाँ अर्बन थ्री रेस्क्यूअर में हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है ये वो चीज होती है जो हमारी स्किन नेचुरली प्रोड्यूस कर रही होती है जैसे सेलिसैलिक नहीं प्रोड्यूस कर रही होती ना बाहर से लेना होता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम ये होता है कि हाइड्रेशन यानी कि कुदरती नमी जो स्किन के अंदर है और कोलेजन जो स्किन प्रोड्यूस कर रही है उसको वो बाइंड करता है। ठीक है ये होता है हाइलुरोनिक एसिड का काम और ये हाइलुरोनिक एसिड मजीद शामिल है अर्बन 3D की रेंज में हर प्रोडक्ट में। ठीक है तो पॉलीफिनॉल्स हो गए, पॉलीप्रोटेक टेक्नोलॉजी हो गई, अर्बन 3 रेस्क्यूअर टेक्नोलॉजी हो गई, तीन टेक्नोलॉजीज के साथ हमारी स्किन को ये सिटी रेडी रखता है। अर्बन इंग्लिश का वर्ड है एंड अर्बन का मतलब होता है सिटी। ठीक है ओके चलें जी अब आते हैं इसके क्लेंजर पे। जब प्योर स्किन की बहुत ज्यादा डिमांड थी और प्योर स्किन था आउट ऑफ स्टॉक तो हमने फिर इस पे बहुत ज्यादा जो है रिलाई किया था क्योंकि इसमें सैलिसैलिक एसिड था एंड ब्लूबेरी क्रश भी था। अच्छा जैसे मैम परी ने कुछ देर पहले बताया ना कि प्लास्टिक बीड्स नहीं होते आलमंड शेल तो यहाँ पे ब्लूबेरी को क्रश करके बहुत ही माइन्यूट से ग्रैन्यूल्स हैं। अच्छा ये 3-in-1 है अर्बन 3D तो बताते हैं टेक्नोलॉजी वाइज 3-in-1 है, ये क्लींजर भी 3-in-1 है यानी कि ये क्लींस करता है एज अ मास्क यूज कर सकते हैं एंड एज अ स्क्रब। स्क्रब का क्या होगा कि जैसे आप क्लींजिंग में 5 से 10 सेकंड लगाते हैं स्क्रब में आप 15 से 20 सेकंड या आधा मिनट लगा के स्क्रब कर लें एंड मास्क में ऑब्वियसली आप 5 से 10 मिनट लगा के उसको छोड़ दें वो खुद ही ड्राई हो जाएगा एंड पानी से आपने धो लेना है। ठीक है अच्छा एक और भी चीज कर सकते हैं आप कि आप खाली क्लींजिंग के बाद जो है मास्क लाके मोटी सी तह लाके छोड़ दें एंड वार्म वाटर से जब आप वॉश करें तब आप स्क्रबिंग एक्शन कर लें तो उसमें भी स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाएगी यानी कि अलग वक्तों में अलग अलग काम नहीं करने पड़ेंगे पूरे 3 से 5 मिनट के दुरानी में तीनों चीजें हो जाएंगी। ओके नाउ वी हैव अर्बन 3D ग्रेड अच्छा ये है इसमें नेचुरल वैक्स बटर है एंड लार्ज हाइलुरोनिक एसिड। जिसके पास ये होना ये आप लोगों ने जरूर पढ़ना है सिर्फ अभी सुनना नहीं है हमें देखना है आप लोगों ने टेस्ट करना है कि हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी स्किन तक पहुंच रही है इंग्रीडियंट्स की सूरत में या सिर्फ लफाजी है। ठीक है इससे आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी और आप आगे लोगों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स वो है क्योंकि ये स्किन के ऊपर वर्क करेगी डे शील्ड है इसमें प्रोटेक्ट करेगी आपको सूरत से तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन लार्ज मॉलिक्यूल से कवर हो जाएगी। ठीक है ये दिन में लगानी है आपने एंड देन वी हैव नाइट क्रीम जो अभी एक्सप्लेन भी की गई थी। ठीक है नाइट क्रीम में भी हमारे पास होते हैं मीडियम हाइलुरोनिक एसिड मीडियम क्योंकि जब हम रात को 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमें ये बहुत डेप्थ में पेनिट्रेट होता है। अगर मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो डेप्थ में वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स मीडियम बनाए गए हैं। ठीक है ताकि नरिशमेंट अंदर तक पहुंच जाए एंड इसमें भी पॉलीफिनॉल्स एंड बाकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अच्छा एक नई चीज आई है और इस पे लिखा है जनाब एसेंस सीरम, नॉट जस्ट सीरम नॉट अ बूस्टर इट्स एन एसेंस सीरम। ठीक है ये आपको ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ठीक है जैसे अगर आप कभी मॉडल को देखेंगे थोड़ी जेली लाइक लगेगी एग्जैक्टली वैसी नहीं थोड़ी गाढ़ी है और इसमें स्मॉल हाइलुरोनिक एसिड है यानी कि मजीद डेप्थ में पोर्स में जाके वर्क करेगा। ये आप लगा सकते हैं दिन में या रात में इसके ऊपर आप डे या नाइट क्रीम लगा सकते हैं इसको आप कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लें
थोड़े से ड्रॉप्स लेके इसको एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपको थोड़ी सी इससे इरिटेशन होती है, इस हद तक कि स्किन रेड हो जाती है, देन आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स सेफ टू यूज। मैंने डेली 2 वीक्स अभी लगातार पिछले 2 वीक्स डेली 2 से 3 टाइम्स यूज किया हर दफा मुंह धोने के बाद, एंड मुझे कोई इससे इरिटेशन नहीं हुई। एक मजे की चीज जो कि मुझे मतलब लिटरली मजे की लगती है वो है हमारी शराब, इसका मिस्ट, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज अभी ओरिफ्लेम में नहीं आई है। मिस्ट का क्या काम है? मिस्ट आप समझ लें ऑल्टरनेट है, किसका? आपके सीरम का भी ऑल्टरनेट हो सकता है, या डे क्रीम का भी, या आप एडिशनल भी कर सकते हैं। इनके घर से आप डे क्रीम ला रखे गए, ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस से आप सबके सामने आप पूरा मेकअप रिमूव करके दोबारा से तो क्रीम रिफ्रेश नहीं करेंगे ना, तो इसको स्प्रे की सूरत में जो है आप मुंह पे ला के ना बिल्कुल इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। बहुत ही लाइट है, बल्कि ये देखें आपको थोड़ा सा चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, कोई स्पिलेज भी नहीं है। ये फॉरन एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी स्किन। अगर आप बीच पे हैं या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में, तब भी जल्दी से स्प्रे कर लिया। मेल्स भी कर सकते हैं, मेल्स तो डेफिनेटली जाके रिफ्रेश तो कर नहीं रहे होते ना मेकअप ना क्रीम, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। एंड आई वुड अगेन रिकमेंड जो भी ये देख रहे हैं ट्रेनिंग, वो मेल्स को इस रेंज में से कुछ ना कुछ जरूर दें, एंड स्पेशली अगर 3D की डे क्रीम दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब बात आ रही है रूटीन की, तो बात हो रही थी अगेन चूंकि मेल्स पे आ रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेल्स को जरा ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हमारे यहाँ जैसे लोगों की जॉब्स काफी छूटी हैं हमारे कोविड के सिलसिले में, राइडिंग ज्यादा बड़ी क्योंकि फीमेल्स इधर से उधर नहीं जा रही थी। हमारा तो ओरिफ्लेम का काम थैंक्स टू ऑल राइडर्स उसी से चला है, एंड बच्चों का जो है खाने पीने का काम वो फूड पांडा के राइडर्स से चला है। तो मेल्स के लिए क्या बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं हम मेल्स की स्किन को, और अमूमन आती है तो उनकी बेचारों की इतनी स्किन खराब हो चुकी होती है, पिक्चर मौसूल होते हैं कि वो मुश्किल हो जाता है कुछ करना, तो आपने उनको पहले से ही जो है ना ये लगवाना है। अब डरा धमका के लगाएं या प्यार से, आपके अपने जो है रिलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? भाइयों को तो आप यूज कराना शुरू कर दें। छोटी सी क्यूट सी है ये क्रीम, मल्टी प्रोटेक्शन डे शील्ड SPF 50। जैसे मैम फरीन ने बताया 50 के आगे 0 डालेंगे, 500 मिनट, कितने घंटे बनते हैं? अराउंड 5 से 6 घंटे के दरमियान ये आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है? अच्छा, ये डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी डार्क स्पॉट है, कोई और क्रीम नहीं लगाना चाह रहे, अमूमन ये 2 से 3 क्रीम्स बल्कि एक क्रीम भी लगाने से घबराते हैं, ये वाहिद क्रीम आप लगा सकते हैं सुबह के वक्त भी, एंड यस रात के वक्त भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक बात बता दूं, SPF की क्रीम लगाने के 20 मिनट बाद असर करना शुरू करती है। एंड इस वक्त जितनी मैं लाइट्स में खड़ी हूँ, अगर जैसे आपका काम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है उसमें बहुत हैवी लाइट्स होती हैं, तो याद रखें लाइट्स भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। ये फोटो इफेक्ट जो होते हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो लगाने के 20 मिनट बाद आप बहुत हैवी लाइट में भी नहीं आए, सन में भी नहीं आए, जब तक कि 20 मिनट गुजर ना जाए। लाइट वेट फॉर्मूला है, चिपचिप नहीं करेगा, स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रखेगा। और इसमें क्या चीजें मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि आपने जो वही बात है जो मैं बात बोल रही हूँ ना, आपने अपनी कैटलॉग भी जरूर खोल के देखी कि ये कौन से हसीन इम्तिजाज हैं चीजों के जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ और वो यहाँ लिखे हुए, ठीक है? अमाइनो मिनरल हमें एल्गी से मिले हैं इसमें, और एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम लिंगोनबेरी अगेन स्वीडन में या सर्द इलाकों में बेरी उगाई जाती है, इवन नॉर्थ में भी काफी दफा लिंगोनबेरी या एज वाइज में हमें मिलती है, ठीक है? तो ये एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल है और उससे बनी है हमारी मल्टी प्रोटेक्शन डे शील्ड SPF 50। अच्छा जनाब, अब ये सारी चीजों का हम आपको करके दिखाएंगे डेमो, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी मैम सदफ को वंस अगेन, देन शी विल हैव अनदर डायरेक्टर अकॉम्पनी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू नौशीन एंड फरीन, इतनी जबरदस्त से प्रोडक्ट के हवाले से नॉलेज आप लोगों को दी, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस भी साथ साथ शेयर किए, आई एम श्योर काफी ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, और आज हम कर रहे हैं लाइव स्किन केयर का डेमो दोबारा से, और आज का सेशन और भी ज्यादा इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि आज लाहौर भी हमारे साथ साथ कनेक्टेड है, और लाहौर की भी वीडियो अभी आप लोग देख सकते हैं, वहां पे भी अरेंजमेंट जारी है, और आज लाहौर में हमारे साथ साइमा मोहसिन और इसके साथ साथ रिफत आसिम भी मौजूद हैं जो कि लाइव डेमो लाहौर में भी है। तो आज आप लोग वीडियो के थ्रू सिर्फ एक ही डेमो नहीं, दो दो डेमो देख रहे होंगे, दो दो लाइव डेमो चल रहे हैं, और आज हम डेमो कर रहे हैं यस अर्बन 3D का, जिसके बारे में इतनी अमेजिंग सी नॉलेज आप लोगों को मिली क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है जो कि हमें पोल्यूशन से भी बचाती है, हमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है, और बहुत ही सारी नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी है। सो हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर रहे हैं।
लाहौर से आई एम श्योर कि हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और यकीनन आप लोग वालेकुम अस्सलाम। मेरी फोटो नहीं आ रही है, कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सो हम लोग यहाँ पे अपना अरेंजमेंट करने लगे हैं, उसके लिए आप लोगों से छोटी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएं ताकि हम लोग सेटअप कर दें और आप लोग भी देख सकें और फिर हम लाइव भी जो है अपनी जो है वो डेमो को कर सकते हैं। इसको आपने ना वो चेयर्स को उठाना है, चेयर वहां पे रखना। ठीक है जी। सो यहाँ भी अरेंजमेंट शुरू हो गई है और यहाँ पे आज मेरे साथ डेमो के लिए वंस अगेन दोबारा से हमने इनवाइट कर लिया आप लोगों से फुल दौर फरमाई के ऊपर। कल हमारे साथ थी डायरेक्टर मुबीन जो कि एक ब्यूटिशियन भी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मुबीन फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आज हमारी मॉडल है आज हुस्ना। तो आज हमारी मॉडल है हुस्ना और नाम की तरह। ठीक है, तो हुस्ना को अगर देखा जाए तो यस इनकी स्किन ऑयली है, बिल्कुल स्किन के ऊपर थोड़ा सा शाइन भी काफी नजर आ रहा है। इनकी स्किन ऑयली है इसलिए हमने इनको चूज भी किया कि देखते हैं अर्बन 3D के साथ। इसके साथ साथ अभी लाहौर में भी अरेंजमेंट चल रही है, हम साथ शुरू करेंगे। अच्छा, और आप जितने भी लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं अगर आप लोगों के पास भी अर्बन 3D है, जो भी रूटीन है और आप फेशियल करना चाहते हैं तो आप लोग भी साथ साथ कर लें। आई थिंक घर बैठे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें इस एक्टिविटी को। और ब्रांचेस के अंदर तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे अरेंजमेंट कराची और लाहौर दोनों जगह पे है। कल भी होगी तो आप लोग ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाइव आप कर सकते हैं। सो आज हम अर्बन 3D का करें, वकासर मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही आप ओके करें तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज होने वाला है। अच्छा बस बैठ जाए फिर, क्योंकि यूनिसेक्स है ना हमारी प्रोडक्ट्स तो मेल भी। आपका वीडियो ऑन हो गया है वकासर? मैं थोड़ा सा, अच्छा आई थिंक रेज हैंड काफी सारे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करती हूँ ऊपर लाने की। अब मेरा ख्याल है ज्यादा क्लियर है। आप अपना कैमरा पिन करते हैं, बल्कि मैंने कर दिया जी, सॉरी मैंने कर दी, पिन कर दी आपकी वीडियो, ऊपर कर दी पिन। बिल्कुल साइमा मैम नजर आ रही है और बिल्कुल आई थिंक आप लोगों की तरफ भी हो गई है रेडी। मॉडल आप लोगों की आने वाली है, बैठ रहे हैं वकास साहब आप? हाँ मैं पक्का पूरा पूरा मॉडल वरना आसिम साहब तो बैठे हैं। तो जी 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 हमारे पास अच्छी खासी तादाद है मेल की जो करवा सकती है। सो मॉडल भी आ गई है, आ जाइए प्लीज। तो रिफत आसिम हमारे साथ मौजूद है लाहौर से और इसके साथ हमारे साथ साइमा मोहसिन भी मौजूद है जो के साथ साथ लाहौर में भी लाइव डेमो कर रही है और पार्टिसिपेंट्स के लिए तो डबल मजे, दोनों रिजल्ट्स आप लोगों को नजर आएंगे लाइव। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से फेस वॉश से हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्बन गार्ड 3D, और क्या कहेंगी मुबीन गार्ड के बारे में? बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का है और वही वाली चीज के जिस तरह जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी है और सब चाहते हैं कि बस क्विकली कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारे 3-4 काम हो जाए,
तो बस समझिए कि ये जो 3D गार्ड है ये काम ही 3 कर रहा है। आप इसको चाहे तो सिर्फ एक दफा ही अप्लाई करें फेस पे, तो ये क्लेंजर भी कर देगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर देगा और साथ साथ मास्क का काम भी कर देगा। लेकिन जब बात हम फेशियल की कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है, जल्दी जल्दी से आगे नहीं बढ़ना होता, ताकि स्किन को ठीक तरीके से हम डीप क्लेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लेंजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं एंड स्क्रबिंग के तौर पे, ताकि हम अच्छे तरीके से स्किन को क्लेंज कर सके। जब स्किन क्लेंज होगी तो देन फिर उसके बाद हम इसको एक्सफोलिएट भी करेंगे। तो क्वांटिटी दिखा देती हूँ मैं कि आपने क्वांटिटी सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर लेनी है और फिर उसके बाद आपने इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। हमारी बहुत अच्छी हो रही है, हमारी स्क्रब भी इसमें मिल रहा है, आपको मास्क भी इसमें इसी बटन में मिल रहा है। आपको प्रोडक्ट खरीदे अगर आप नहीं लेना चाहते, ये हमारा होता है केमिकल पील। अगर आपको फील नहीं होगा कि हम आपको जो है फील भी कराएंगे, आपके हाथ में देंगे, आप देखेंगे हाँ इसमें तो स्क्रब नहीं है, इसमें तो किसी किस्म का स्क्रब नहीं है, कोई बीट्स नहीं है, तो किस तरह ये स्क्रब कर रहा है, ये हमें नेचुरली जो है एक्सफोलिएट कर रहा है। इसके अलावा जो है ये हमें जो है उसके अलावा जो क्लिनजिंग बहुत अच्छी करें, डीप क्लिनजिंग हमारी कर रहा है। और डीप क्लिनजिंग हमारी जरूरी नहीं है कि आप महीने में एक दफा फेशियल से ही करवा सकते हैं, आप इसको दो टाइम पर लाजमी लगाए। डीप क्लिनजिंग क्या होती है, सुबह में आप उठे जब आप किचन से फारिग होते हैं, स्पेशली खवातीन की ये रूटीन होती है कि सुबह उठते ही बच्चों में लगे, हम अपने घर के कामों में लगे, अपनी रूटीन हम भूल जाते हैं। तो आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप इसको हल्का सा, जरूरी नहीं कि आप इस तरह प्रोफेशनल फेशियल ही करें। अगर आप डेली अपनी स्किन की आप केयर कर रहे हैं, क्लिनजिंग करें, हल्का सा मसाज करें, मसाज करने के बाद इसको जो है कॉटन के साथ साफ करें, तो अच्छा खासा बैल उतरता है। जो आपकी किचन की हील होती है, आपकी डस्ट होती है, आप बाहर जा रहे हैं, रोज का काम हम सफाई करते हैं, आप अपने घर में एक दिन सफाई नहीं करते तो कैसे मिट्टी पड़ी होती है चीजों पर। इसी तरह हमारी स्किन पे भी बहुत ज्यादा गर्म मिट्टी पड़ी होती है, जिसको हमें साफ करना जरूरी है। इसको अच्छा साफ करें और उसके बाद कॉटन से साफ करें, हल्दी की किसी कॉटन में उसको साफ करें, हो गया। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इसको एज अ मास्क भी यूज करना चाहती हूँ, तो आप इसको बात करें मास्क भी यूज कर सकते हैं, एकदम आपको स्किन पे ग्लो नजर आएगा। इससे जो इसमें एक्नी हो रही है स्किन में, इसमें सिलसिले का एसिड मौजूद है कि जो आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करे। जब हमारी प्योर स्किन की रेंज नहीं आ रही थी तो लोगों ने बहुत पूछा क्या यूज करें क्या यूज करें, तो इसमें सिलसिले का एसिड मौजूद है जो हम एज एक्नी के लोगों को भी दे सकते थे, जो उनकी एक्नी को भी कंट्रोल करें, और वही को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, आपको ग्लो बहुत अच्छा देती है। और ये देखिए जिस तरह ये मसाज कर रही है, ये हम ऊपर की तरफ हमें करना चाहिए, एक एज के आप चाहते हैं कि हमें रिंकल्स नहीं पड़े या हमारी स्किन जो है लूज नहीं हो, तो हमें ऊपर की तरफ जो है ना इसका मसाज करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो कह रही है कि इसको अगर फेस पे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए इसको। चलिए जी, सो यहाँ पे भी बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर राइडिंग, बड़ी ही जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन साइमा मैम ने भी ऐड की कि इसमें चूंकि सैलिसिलिक एसिड है तो प्योर स्किन की रेंज जब नहीं थी तो हमने काफी सारे जिनके पिंपल्स एंड एक्ने थे वो भी इससे ट्रीट हुए। जिस तरह इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट लगा के आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो अच्छे से डीपली हाइड्रेट हो जाती है और अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्लेंजर जब लगाया गया तो स्टार्टिंग में जस्ट अ मिनट छोड़ा, लेकिन अब थोड़ा सा पानी के साथ इस इनको मसाज के साथ एक्सफोलिएट किया जा रहा है, डेड स्किन को रिमूव किया जा रहा है। आप एक्सफोलिएट आप समझेंगे कि अच्छा तो स्क्रब के बगैर हो ही नहीं सकता, हमारी डेड स्किन कैसे उतर सकती है, लेकिन ये हम होते हैं केमिकल पील, हम इसको बोलते हैं कि जिसने स्क्रब नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से आपकी डेड स्किन को जो है एक्सफोलिएट करें, डेड स्किन को असल मकसद आपकी डेड स्किन को उतारना और आपकी स्किन को फ्रेश करना। जिसके फोर्स का ओपन हुआ कि फोर्स मेरे बहुत ज्यादा ओपन है, फोर्स में जब आपके गंज आते हैं सारा, तो वो भी कॉज बनता है आपकी एक्ने का, वो भी कॉज बनता है ब्लैक हेड्स का। जब तक हम अपनी अच्छे से जो है आपकी क्लिनजिंग नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम हमें आती रहेगी।
तो जी अब इन्होंने जिस तरह के किया बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब किया, उसके बाद हम उसको आप बोले आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं जो आप जो आपस में बात करी थी। सर मैं कह रही हूँ मैंने उनके स्टेप के साथ फॉलो कर लिया। अच्छा अगर आप मैंने गेम भी कर लिया ओके, लेकिन मैंने उनके साथ इनके साथ आपको कुछ चाहिए वहाँ पे नहीं है सर। अगर किसी दिन आपको लग रही कि आप बिस्किट बहुत डाल है और आप समटाइम्स होता है कि आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बीमार है बहुत जाना है और अचानक से आपको एक फ्रेशनेस चाहिए अपनी स्किन पे, तो आप बस ये एक अकेली चीज यूज कर लें इसको, या आपकी क्लेंज भी कर रहे हैं आपको स्क्रब भी कर रहे हैं आपको, और बाद में आप जो है एंड पे जो है मास्क यूज कर लें तो आपको एकदम से बहुत अच्छा ग्लो और फ्रेशनेस लगे। और आगे जाके जब आप बताएंगे इसके बेस्ट का कि इसका क्या कमाल है तो इसमें और भी आपको जो है इसके फायदे नजर आएंगे। तो क्लिनजिंग यहाँ भी रिमूव हो रही है क्लिनजिंग के साथ ही स्क्रब जैसे कि केमिकली एक्सफोलिएट या करता है, इसलिए इसके अंदर ग्रैनुल्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये आपकी डबल जो डेड स्किन है उसको रिमूव करता है। अब यहाँ पे मुबीन ने रिमूव कर दी है कभी कभी डिपेंड करता है कि कुछ स्किन ऐसी होती है जिनके ऊपर डेड स्किन जो है वो इतनी कम होती है उनको जरूरत नहीं होती कि आप अगेन इसको यूज करें, लेकिन अभी जो इनकी स्किन टाइप है ना अभी समझ लें एक तरह से इनको क्लेंज हुआ है, डीप क्लेंज हुई है स्किन और पोर्स के अंदर जो डेड स्किन थी वो निकल के गई है। अब जो इनकी स्किन के ऊपर अभी मैं हाथ घेर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि अभी इनकी स्किन के ऊपर डेड स्किन है जिसको निकालना जरूरी है, और चूंकि ये जो हमारा अर्बन 3D गार्ड है इसमें इस तरह का स्क्रब है जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, किसी तरह का कोई दाना टाइप चीज नहीं है जो स्किन को खराब करे या स्किन को रैश दे, तो मैं इसको अगेन यूज करूंगी ताकि जब इनकी लेयर जो अपेयर हो रही है लेयर जो दिख रही है इसके ऊपर जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाए, तो इसको लगाकर थोड़ी देर छोड़ना जरूरी होता है ताकि इसके लिए करना सैलिब्रेट हो जाए। आप लोग के लिए रिमूव हो चुका है, सिर्फ ये करने से ही इनकी स्किन एकदम क्लियर हो गई है, जिस तरह वो लोग उनको लग रहा है अभी भी उनकी स्किन जो है वो डेड स्किन है अभी भी उनकी रफ स्किन हमें फील नहीं हो रहा क्योंकि हमें लग रहा है कि इनका जो है पूरा अच्छे से हमने इनको क्लेंस किया है। क्लेंस करने के बाद आपको खुद क्या फीलिंग हो रही है आप खुद भी बताएं ना, आपको आप लग रहा है सॉफ्ट हो फील हो रहा है बस खाली अभी क्लेंस करने से इनका फेस एकदम से ग्लो आ रहा है उनकी स्किन में। बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हम खुद से ही उसके बाद भी आपको मंथली केयर की जरूरत रहती रहती है क्योंकि काम आप खुद से कर रहे होते हैं खुद के तरीके से नहीं हो पाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गई है वो प्रेशर पॉइंट है, ब्लड सही से सर्कुलेट जा रहा है जब कोई और आपके प्रेशर करता है तो वो वहां से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है, और जब सही से ब्लड सर्कुलेट होता है तो ऑटोमेटिकली स्किन और ज्यादा लगती है और ज्यादा ग्लो करती है, और ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा पूरा महीना खुद डेली और वीकली स्किन केयर यूज करें और महीने में एक दफा अपनी ही प्रोडक्ट एक्सपर्ट पर जाकर उससे आप कंप्लीट फेशियल लें तो आपको पता चलेगा कि मैं रोज यूज कर रही हूँ लेकिन जो आज रिजल्ट मेरे पास आया है वो मेरे पास डेली नहीं आ रहा है, तो फेशियल की अहमियत अपनी जगह और डेली आपके ऊपर जो डेली डेली प्रॉब्लम्स आ रही है व्हाइट हेड ब्लैक हेड ऐसा नहीं हो सकता की सारा साल आपकी एक जैसी गुड़िया की तरह मेरी गुड़िया 20 साल बाद देखी थी स्किन वैसी थी, तो भाई वो गुड़िया है मैं 20 साल समझना है
रिएक्ट भी करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से अगर आपकी तरफ कोई क्वेश्चन हो तो आप म्यूट कर लीजिएगा ताकि यहाँ वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब ना हो और जो यहाँ भी हो रहे हैं फिर आप म्यूट कर देंगे ताकि वॉइस मिक्स हो रही है समझ कुछ नहीं आ रहा। मैम मुबीन ने जो बताया वो यहाँ पे किसी को नहीं पता चला क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो हो रहे थे और हम यहाँ पे आंसर कर रहे थे। म्यूट कर लें एक दूसरे की आवाज को ताकि वो मिक्स ना हो। ठीक है राइट ओके। सो बहुत से लोग होते हैं वो टोनर यूज नहीं करते वो यही आंसर देते हैं कि हमने गुलाब का रंग लगा लिया हमें इससे फाका हो गया उससे कैसे फाका हो सकता। अच्छा विकास साहब मेरे ख्याल से वहां पे भी कंटिन्यू कर लें नेचुरल है लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू रिकमेंड आप ना गुलाब के अलग से बेहतर है आप ये मिक्स यूज करें इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं। वो लोग जो नॉर्वेज की रूटीन को यूज करते हैं उसमें अगर रूटीन के अंदर वो ये मिक्स को भी यूज करें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है फीडबैक बहुत अच्छे हमें आते हैं इस प्रोडक्ट के। और इसके अलावा वो लोग जो अभी तक आप लोगों ने किसी ने यूज नहीं किया था थोड़ा सा लेके और लगता है बहुत कम क्वांटिटी दे रही है आप मेरा जब से ये हमारा आया था ना ये नया मैं उसको भी यूज करी सर जरा सा स्प्रे होता है स्प्रे होता है पूरा थोड़ा यूज करें उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप अब जैसे इसको सब छपाए ड्रॉप हो जाएगा उसके ऊपर आप अपनी लेकिन लगाए या कलेकर लगाए फिर उसके बाद आएगा इसका वर्क मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी हम किचन में जाते हैं सारा दिन कितनी गीत ऐसा पूरे फंक्शन में वही ट्रेन नहीं हुआ और दो बड़ी सिटीज के दो बड़े डिवीजन एंड मैचेस एक साथ दो को ऑनलाइन लाइव देख रहे हो आगे भी लाइव है। सो हम यहाँ पे अब दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं और आवाज आप लोगों को बिल्कुल आई एम श्योर सब जो लाइव देख रहे हैं उनको क्लियर आ रही होगी। सो मुबीन ने सेकंड टाइम की थी हर किसी की स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप फील करेंगे यहाँ पे डबल क्लेंजिंग की जरूरत पड़ी थी बिकॉज आई थिंक हुस्ना तुमने काफी अरसे से शायद नहीं थोड़ा सा प्रॉपर किया होगा बट अच्छे से रिमूव हो गई डेड स्किन एक्सफोलिएट हो गई। और हुस्ना कैसा फील हो रहा है वैसे बहुत अच्छा हो रहा है मजा आ रहा है फुल रिलैक्स है ना हाथ आ जाते हैं जब किसी के तो बड़ा अच्छा जी। सो आप क्लीन कर रही है मुबीन हाँ बिल्कुल काफी फर्क पता चल गया है मुबीन सेकंड टाइम करने के बाद ना वाकई में डीपली क्लेंस है ना काफी ज्यादा नरम भी फील एग्जैक्टली पहले हार्ड हो रहा था और फिर वही चीज है कि ये स्क्रब उस तरह का स्क्रब नहीं है जो कि हमें दिखने को मिलता है हमेशा तो आप इसको इजीली अप्लाई करें रगड़े मारे जो भी करना है करें डरने की बात नहीं हाँ कर ले वो ग्रैनुल्स होते हैं तो एग्जैक्टली हम कंसर्न होते हैं कि स्किन सेंसिटिव है किसी जगह से ज्यादा और हो सकता है कि आपके पास कोई क्लाइंट है आप किसी क्लाइंट को कर रहे हैं फेशियल या आप अपने भी कर रहे हैं तो ऑयल की वजह से भी तो स्किन में सेंसिटिविटी होती है ना तो अगर वो होगी तो फिर आपकी स्किन रेड हो जाएगी रैश भी बन सकते हैं इचिंग भी फील हो सकती है तो इस वजह से परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं होती। अच्छा अब मैं इनके फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी हमारा जो सिरम है 3D गार्ड का ही वो और मैं इसको करूंगी तो हाइलूरोनिक एसिड बेसिकली आजकल सीरम्स में बहुत ज्यादा इन है फेस के ऊपर सो जिनको हाइलूरोनिक एसिड यूज करना है वो सीरम को यूज कर सकते हैं। इसमें राइट अमाउंट ऑफ हाइलूरोनिक एसिड शामिल है जो कि आपकी ह्यूमन स्किन को डैमेज नहीं करती है। मैं जो डेली लेने वाली क्वांटिटी उससे मैंने थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी ली है क्योंकि हम खुश होते हैं। आगे आगे हमारे पास दो लोग डेमोल हो रहे हैं थोड़ा सा इसको इक्स करें ना कुछ करवाएं मतलब पैलेट्रेट करवाना है टैप टैप करके ठीक है हां देखा आप थोड़ा सा ये कि आपका रिव्यू है ना मैं यही बता रही हूं कि मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गई है तो उनको चाहिए थोड़ा अलग से पानी और डे क्रीम लाजमी लगा करते हैं हम ऐसे सर सोलर फाइन
वो पानी का है बॉटल आप इनको डेमो अच्छा जी आई क्रीम क्यों इम्पोर्टेंट होती है? हम आई क्रीम को इतना ज्यादा जिस तरह हम पैरों को निग्लेक्ट कर देते हैं ना बाकी सारा हम तैयार होते हुए शादी पे जाते हुए कितना तैयार होते हैं ऊपर से नीचे जब हमारे को बाल सबसे पहले पड़नी चाहिए पाव से लेके और साफ सुथरी चीज के पहले पाव देखें मेरी यही है कि सबसे पहले जो है ना कि हम पाव को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मेन चीज है कि आपके जूता आपके पाव मॉडर्न होंगे तो जूता चाहे आपने सस्ता भी पहना हो तो इसलिए आई क्योंकि हमारी सबसे पहले ठीक है और जो सबसे जब आप तस्वीर खिंचवाते हैं ना तब आपको अंदाजा इस चीज का बहुत माया हो रहे हैं। ये मैम खुद भी अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि मैम आपका फेस माशाल्लाह इतना नीट है मैंने आपको एक दूसरा चीज किया तो मुझे फील हुआ कि स्किन आपकी नीट हो चुकी है तो इनका कहना है कि मैं इवन आपकी डे और नाइट क्रीम यूज करती हूँ आप खुद ही देख लें आपके सामने ये कि रिजल्ट क्या है हमारी बात जा रही है बिल्कुल जा रही है नाइट क्रीम ज्यादा आई क्रीम के बारे में आप बता दें जी आई क्रीम देखिए कोई भी आप जब स्किन केयर रूटीन करते हैं उसके साथ और आई क्रीम हमेशा मसल के दाने के बराबर लें ये मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पर मैंने बताया लोग इतने के ढेर लगाते हैं कि शायद इससे हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा अब भी आपको दिखाते हैं और मेरे हाथ में वो भी लगी रह जाती है लोग कहते हैं कि आपको आंसू आ रही है और पानी आ रहा है क्योंकि बिल्कुल आंख के पास आंख की हड्डी पे लगाए ना और देखे इस फिंगर पे लें ठीक है ले लिया मसल के दाने के बराबर बिल्कुल आपने लेना है इस फिंगर पे लगाए पूरे हथेली पे ना लगाए सिर्फ इस फिंगर पे लें इसके बाद दोनों फिंगर्स को आप ऐसे करें और इसके बाद यू लाइट लाइट ठीक है इस ये जो हमारी हड्डी यहाँ तक आना चाहिए उसको आंख के अंदर तो ना लगाए ना बिल्कुल भी यहाँ पर लगाए इस तरह हल्का हल्का उसको टैप करें टैप करने के बाद ये भी और ये ठीक है बाहर की तरफ करें ताकि आपको देखिए अगर आप एज रिवाइव यूज करी है तो एज रिवाइव 30 प्लस के बाद है तो आपको एज रिवाइव की आई क्रीम लगानी डालनी आई क्रीम से ये होगा कि आपके रिंकल्स जल्दी नमोदार नहीं होंगे वो जो है उसका जो प्रोसेस है जल्दी अगर आपको 25 के बाद आना शुरू हो गया तो थोड़ा सा लंबा अर्सा चला जाएगा आजकल बच्चों में ज्यादा जल्दी आ रहे वो यही यूज है कि फोन ज्यादा यूज करना या लैपटॉप यूज करना उसकी वजह से ज्यादा जल्दी रिंकल आया होता है। फर्स्ट स्टेप हमने किया था क्लीनिंग की थी सेकंड स्टेप पे हमने इनको आई क्रीम यूज की थर्ड स्टेप पे अब इनको मैं डे क्रीम यूज करूंगी और अभी डे है ना क्योंकि डे टाइम है और डे क्रीम में अगर हम ऑप्टिमाइज का रेडियंट का एक बूस्टर जो भी न्यू लॉन्च किया गया था उसका एक ड्रॉप अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको खुद ही फील होगा कि मैंने क्या चीज फेस पे लगा ली है बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। खवातीन को अक्सर बहुत स्ट्रेस होता है स्पेशली जब आपकी मियां से लड़ाई होती है तब आप सारा दिन बहुत ज्यादा बोर रहते हैं तो उसके बाद पता ही चल जाता है कि हमें कोई लड़ाई पड़ी है ये तो आप सबको इतना तो पता ही है कि क्वालिटी हमारी बहुत कमी होती है इसमें हमने एक ड्रॉप बस सीरम में बहुत फर्क है ये लोग हमारे जो ऑनलाइन भी हमने देखे हैं बूस्टर और सीरम में फर्क है सीरम आप डेली लगाते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन से पहले और जो होता है हमारे बूस्टर का मतलब क्या है बूस्ट करना आपकी स्किन को जैसे मैंने बताया लड़ाई घर में हो तो फौरन लगा लीजिएगा ताकि लगे ना कहते हैं हम लोग चाइना की जो फिनी फिनी पिक्चरें लगाते हैं ना हम लोग नहीं लगाते आप पहले चेक करें देखो बार आप पहले अपनी पिक्चर से कंपैरिजन खुद कीजिए एक ही दफा जबरदस्त और सिर्फ अभी इन्होंने वैश ने क्या किया है सिर्फ इससे क्लिनजिंग की है खाली खुद भी फील हो रहा है कि उनकी स्किन इतनी हार्ड थी इनकी और इतनी ज्यादा रफ थी और आपकी तो अगर आप आपको लेकिन इसको क्रीम में मिक्स करना है अच्छा ये फ्रेश
नहीं तो बाहर से ले लो। जी जी आई थी देने आपने आपने अगर ये हम लाइव देखने वाले लोग देख रहे हैं तो इस वक्त हम तीन डिफरेंट लोगों पे हम अपना सेशन कर रहे हैं। इनकी जो स्किन है जो इस साइड पे मेरे बैठी है उनकी बहुत रफ स्किन थी, बहुत डल स्किन थी। इसके बाद ये खुद रिव्यू देंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इनको सिर्फ एक ही स्टेप अभी हमने यूज किया है जो है ये क्लेंजर, जो सिर्फ अभी मसाज इन्होंने मैनेज से किया है। उसके बाद देखते हैं कि इनका क्या जो है इनके रिव्यूज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं इसको वैसे भी मुझे बेटर फील हो रहा है। एक ड्रॉप आप इनको देखें, आपके इनके फेस पे इतनी वो शाइन आ गया। और हालांकि मैंने अपने आप खुद कर रही है, देखें आप कुछ भी करें, देखें प्रोडक्ट आपके पास है, अपने कुछ पतले में खुद अप्लाई करें। और देखिए जरूरी नहीं कि हर खातून के पास इतना टाइम नहीं होता पार्लर जाने का, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी डेली केयर करें ना, इन सारी प्रोडक्ट्स को यूज करें, आप हर महीने बदल के ले सकते हैं। हर महीने जरूरी नहीं, हर महीने आप कोशिश करें कि अच्छा मैंने दो प्रोडक्ट्स ले लिए, फिर अगले महीने फिर मैंने दो प्रोडक्ट्स करके अपना सेट पूरा करना है। तो लेकिन सेट पूरा इस्तेमाल करें उसका ज्यादा आप ये जो है सीरम एसन सीरम था इसका, ये भी अर्बन गार्ड का ही है और ये क्या करेगा आपकी थर्ड लेयर पे जाता है। जिस तरह के सीरम हमारे बहुत लाइट वेट होते हैं आपकी थर्ड लेयर पे जाते हैं और वहां जाके आपकी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसकी परफॉर्मेंस को मजीद बेटर कर रही है। तो क्यों जरूरी है एसेंस, क्योंकि ये स्किन के थर्ड लेयर तक जाए और ये लाइट वेट होते हैं, इनकी स्किन इतनी लाइट हो रही है। आप बताइए जैसे ये करती जा रही है, जैसे मैं करती हूँ उसको देख देख एकदम आता भी नीट हो गई है। हाँ जी अब आपको देखें, आपको हाथ जरा लगा के अपनी स्किन को देखें कि आपको सॉफ्टनेस लग रही है अपनी स्किन में, वो नजर भी आ रहा है। आप ये देखिए इस्तेमाल कर रही है ना ऑलरेडी, ओरिफ्लेम की ही प्रोडक्ट्स यूज करी, इवन आपका सेट करी, तो उनकी स्किन ऑलरेडी फ्रेश है, उनको बस हल्का सा क्लेंजिंग की जरूरत है और उनकी स्किन फ्रेश हो जाती है। जब चीजों को ये देखेंगे और ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स है प्लीज इसको कम से कम यूज करें, ज्यादा यूज करने से ऐसा नहीं है कि कुछ होता है, कम प्रोडक्ट यूज करें आपकी एक महीना से भी ज्यादा चल जाती है। सिर्फ और सिर्फ मटर के दाने के बराबर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है ना, अब भी अगर कोई लगाना चाहता है तो आए इधर, सिर्फ मटर के दाने के बराबर कोई यूज करना चाहता है तो यूज करें इधर। जो आप नहीं, जिन्होंने यूज किया वो ना करें, आप नहीं आपका चेहरा ऐसा है ना, आपका चेहरा ऐसे इसके लिए करना कर रहे कुछ नहीं होता जिनका है ना उनका ले, ताकि इसी से हमें पता चलेगा कैसे है। आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स
और सारी प्रोडक्ट अगर ये मैंने उसमें ऐड किया ना, ये मैंने वो लगा नोट कर ली, ये अर्जन ये लगा रहे अच्छा जी, इन्होंने क्ले मास्क का यूज़ किया, क्ले मास्क यूज़ किया बिल्कुल, आप क्ले मास्क इनको लगा सकते हैं, अगर देखिए क्ले मास्क लगा भी सकते हैं लेकिन इसमें ऑलरेडी मास्क और स्क्रब ऐड है। हाँ, आप किसी को अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो वो जरूरी नहीं कि वो मास्क ही लगाए, वो इसी को अगेन लगा ले और इसको भी छोड़ दे, आप ही देखिए इसके इसके बाद आपका फेस रेडी, आप मेकअप कर लिए अपना एंड वाला जो आपका जो है रह जाता है, ये मास्क लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं ये मास्क नहीं हमारा स्क्रब है, स्क्रब जी, और हमारे जितने भी स्क्रब्स हैं जिस तरह अभी भी उन्होंने डिटेल्स में बताया कि हमारे स्क्रब से प्लास्टिक बीड्स यूज नहीं होते हैं, ये आलमंड शेल यूज होता है, आलमंड शेल हो गया या जैतून का शेल हो गया, वो चीजें यूज होती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती हैं। अभी मैं ये आपको फील भी इसका कराती हूँ कि इसके आप हाथ देखेंगे कि इसका स्क्रब कितना सॉफ्ट है जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। समटाइम्स आप स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन को एकदम रैशेज पड़ जाते हैं, स्पेशली जो ड्राई स्किन वाले लोग, ड्राई स्किन वाले लोग जैसे कि स्क्रब कम यूज किया करें, अगर करना भी हो तो अपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम में लगा के हल्के सा स्क्रब बहुत ज्यादा देर तक नहीं करता। ये लास्ट टाइम मैंने यूज किया था, सॉरी मैं मैम की बात करती हूँ, और मैंने जब ये लगाया था ना तो क्लाइंट खुद कह रहा था कि ये बड़ी अच्छी चीज आपने लगा दी है, वैसे भी जो चीजें वैसे बड़ी नहीं, ये सॉफ्ट आपको अभी मैं चेक करा रही हूँ, ये आप हम फील करेंगे कि इसको इतना ये सॉफ्ट है और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। और स्क्रब जो है वीक में एक दफा या दो मरतबा लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी स्किन डेड स्किन जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाती है उसको हम जब हल्का हल्का करते हैं, हाँ स्क्रब बहुत ज्यादा देर तक नहीं करते, लंबे अरसे तक नहीं करते, कम टाइम के कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं ताकि जो है और अच्छे से इसको नाक की साइडों से स्पेशली ये चीज जो है और स्क्रब करना तो आपने सारी उंगलियां ही लगानी थी, टू फिंगर्स स्क्रब करना है, ठीक है, वो सॉफ्ट इसको स्क्रब को करना है, वो मेल्ट हो जाते हैं। अब यही मास्क हम इनका यूज कर रहे हैं, देखिए एक ही बॉटल में हमें सारे फायदे मिल गए, हमारी स्क्रब भी हो गया, हमारी क्लेंजिंग भी होगी, उसके बाद हमारा मास्क भी इसमें मिल गया। चाहे तो आपके पास अगर और है जिस तरह हमारा वो क्ले मास्क है, मैंने ये किसी को सेल तो कर दिया था लेकिन फर्स्ट टाइम अपने पर खुद यूज कर, अब आप रिव्यू दे सकते हैं। अब आप ये जरा इनका ना फोरहेड जरा चेक कीजिए, इनकी स्किन आप देखें जितनी इनकी रफ थी, आप जरा ऊंचा बोलिए खुद बताएं आपको कैसा लग रहा है, फोरहेड से मुझे नहीं फाकी जो है मेरी स्किन नीट हो रही है क्योंकि मेरी एक्ने भी थी और रफ भी थी, लेकिन अब मुझे वो फोरहेड देख के मुझे सॉफ्ट फील हो रहा है, सिर्फ फोरहेड आप खुद नोटिस शाइन कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कम लिया, मैंने कहा उस दिन मैं मैम आराम कह रही थी ना, मैं मास्क थोड़ा ज्यादा लिया लेकिन अच्छा एंड पे जब अपने मास्क के बाद स्प्रे लगाइएगा ना वो अंदर रहेगा, वो अभी उन्होंने अभी बाहर जाना है दिला रहेगा, आप पहले मास्क इनको लगा दे ठीक है ये बहुत ज्यादा टास्क होते हैं, टास्क वाले
अच्छा हम प्रोडक्ट थोड़ी सी टेस्टिंग आपको करा देते हैं, मैं ये चाह रही हूँ स्क्रब आप लोग यूज करें और आपको पता चले कि इसका भी कैसे रिजल्ट है। हाँ अगर आपके पिंपल्स नहीं है तो आप इसको लगाएं, कैसा लग रहा है आपको इसके स्क्रब कैसा है, बहुत सॉफ्ट है आपको लोग बताएं कि आपको इसके कैसा लगा, कितना सॉफ्ट है और आपकी स्किन को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। प्लीज स्किन के लिए हमेशा लाइट जो है ना स्क्रब को यूज करना चाहिए, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। देखिए कितना सॉफ्ट है ये और ये आपके और हमेशा लगाया करें बहुत कम लाइफ के लिए सिर्फ इसको। ये रिंस ऑफ है, हाँ हाँ ये आपने फिर उसके बाद कर देना, स्पंज कर देना रिंस ऑफ करके उसके बाद फिर इसके बाद हाँ। और जब आप स्क्रब यूज कर रहे थे स्क्रब से क्या होने एक चीज में इम्पोर्टेंट चीज बता दूँ, स्क्रब से क्या होने आपको फॉरन इसके बाद क्या करना है, वॉश करने के बाद फॉरन आपने मास्क अप्लाई करना है, सूदिंग मास्क जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली है ना आप वो यूज करेंगे ताकि आपके पोर्स बंद, क्योंकि इसकी गर्माइश एक तो हाथ धोंगी और दूसरा ये पोर्स के अंदर से आराम निकलेगा इसका, और साथ ही आप जो है ना उसका मास्क मैम ये इन्होंने भी लिया भी टेस्ट करने का बहुत। और अगर मैम फॉरन से मास्क नहीं लगेगा तो दोबारा से मतलब हाँ वो देखिए जब हमारी गर्माइश थी और जब स्क्रब लगाते हैं ना पोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं आपके। अच्छा इसका एक रिव्यू मैं देती जा रही हूँ कि अभी इन्होंने अपने हाथ पे सिर्फ इसको स्क्रब को अप्लाई किया है, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ना सिर्फ ये फेस के लिए बल्कि अपने हाथ पे माउथ पे भी यूज कर सकते हैं, एकदम इनके जो है हाथ में रेलर ही है और आपको इनको कैमरा वहां से भी बड़ा लेकिन बाकी लोगों को जो भी ऑनलाइन है उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। ये मैं दोबारा से बता दूं कि जिन्होंने अभी हाथों पे यूज किया है अपना ये एक्सफोलिएट जो हमारा नया आया है ना सिर्फ ये फेस के लिए बहुत इफेक्टिव है बल्कि ये हाथों और पाओं के लिए भी बहुत जबरदस्त है, आपकी फेस स्किन उतर रही है और इनके हाथों का कलर चेंज हो गया है सिर्फ एक यूज करने से। आप यहाँ पर दिखा सकती हैं थोड़ा सा हमें सामने, आप थोड़ा सा थोड़ा सा इधर आके हमें दिखाएं इधर अपने हाथ क्या पता ये नील के रिव्यूज देखे इन्होंने इस हाथ से लगाया है मैंने और इससे नहीं लगाया मुझे फर्क नजर आ रहा है इस हाथ से। आप अगर आगे आ जाएं कैमरे के पास हम यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं तो लोग अच्छा जी हमारा डेमो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको सॉफ्ट भी करेगा ये क्योंकि जिस तरह वो आपको आपने सॉफ्ट भी करेगा मोबाइल से ले लें
अच्छा जी, सो हमारा यहाँ पे जो स्पेशल है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने एक्चुअली चारकोल मास्क यूज किया था हमारे पास, जो कि आज हमने डिस्कस भी किया था, चारकोल मास्क यूज किया। उसके बाद हमने काफी टाइम उसको फाइव मिनट्स किया। और जो यहाँ पे मौजूद है बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स बड़े ही अमेजिंग है। उसका थोड़ा सा आगे आइए जरा, फेस क्लीन बड़ा अच्छे से हो चुका है और हुस्ना की स्माइल से पता चल रहा है कि हुस्ना खुद देख के खुश हो रही है। चले दीजिए हुस्ना, कैसा हुस्ना कैसा लग रहा है? अल्फाज नहीं है तो ये कह रही है कि अल्फाज नहीं है, वह इतना अच्छा करके बता दे कैसा फील हो रहा है। वहाँ पे भी बहुत अच्छे नतीजे आ रहे होंगे। ये समझदार की हवा से काम जी सर, बहुत अच्छे रिव्यू सुने प्लीज मैम, इनके इनके रिव्यू सुने थोड़ा सा ताकि लोगों को पता चले कितना खुद को दूसरा स्पीड लाइट लग के अपना मुंह खोल से ग्रो कर रही है। थोड़ा समझिए इनकी आवाज कम है थोड़ी, पहली बहुत ज्यादा रफ थी और ड्राई थी, लेकिन ये करने के बाद मेरी तो स्किन सॉफ्ट हो गई है और एक ग्लो कर रही है और इनकी स्किन पे स्पेशली जो बताते चलो पिंपल्स बहुत ज्यादा थे, एक्नी बहुत ज्यादा थी और जो इसमें सिलसिले का एसिड मौजूद है वो आपकी एक्नी को भी ट्रीट कर रहा है और आपकी स्किन प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ये हमारी भी आपको बताएंगी ये कैसा फील कर रही है। बता सब बता ही हम बात करते हैं।